हालात बहुत ही तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। सरदार, क्या आपको एहसास भी है आपको कितना भुगतान मिला राजद्रोह करने के लिए? एक अज्ञात व्यक्ति अपहृत भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मेरे साथ खिलवाड़ करना मेरे देश के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। तुम्हारा सारा प्रश्न सुनेगा, तुम्हारी खैर नहीं, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हूँ। क्या ये सच है? क्या ये हमारे सरदार हैं? हाँ। आपने जो किया है वो आपके देश के प्रति देशद्रोह है। क्योंकि किसी भी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, आप देशद्रोही हैं। ये मत बोलो कि अब तुम भारत में पैर नहीं रखते। अपने हथियार नीचे रखो। आप जानते हैं, मुझे पता है। हम सालों से बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एमएमए के पार्टी मेरी मदद करना। काटना। अपने आप को भावनात्मक रूप से व्यक्त करें ताकि लोग आप पर दया करें। मैं बस 10 बेटे मांग रहा हूँ आपके पार्टी के लिए। 10 महीने हो गए हैं। ना ही मेरी पार्टी का नाम, ना ही मुझे ये नाम दिया गया था। सच्चा चीफ, हमारे जमींदार भी हमारी पार्टी से अनजान है। उन्होंने भीड़ को देखकर पूछा, क्या परिवार में कोई मौत हुई है? प्रमुख, हमें प्रसिद्ध होने की जरूरत है। मेरे पास विचार है, आइए कॉक विद कॉमली रियलिटी शो में भाग लेते हैं, हमें अच्छी टीआरपी मिलेगी। मुखिया जी, हम दूसरे टीवी चैनल की मदद क्यों ले? चलो अपने टीवी चैनल शुरू करते हैं। टीवी चैनल? हाँ। पता है कितने पैसे लगेंगे? इतना में तो तेरा यूट्यूब चैनल ही बनेगा बस। यूट्यूब चैनल शुरू करने में कितना खर्च होता है? इसमें कोई खर्चा नहीं है, हमें बस ईमेल आईडी चाहिए। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, आइए उसमें हजारों बनाएं। सर, हम 1 लाख चैनल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमें सामग्री चाहिए, कंटेंट। सामग्री ये है, आइए बेसेंट नगर बीच पर डेरा डालें और अच्छे कारण के लिए ध्यान करें। हम ध्यान करेंगे, ये वायरल नहीं हो सकते। दंगे हमारी सामग्री हैं। यहाँ हमारे रास्ते में टावर जंक्शन पर एक मूर्ति ढकी हुई थी। कौन सी मूर्ति? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मूर्ति के अनावरण के लिए धरना देना चाहिए, विरोध को दंगे में बदल देना चाहिए। दंगा शुरू करने के बाद क्या? चीफ, ट्रेंडिंग सी सॉ की तरह है, जो इंसान को ऊपर से नीचे गिरा दे, सत्ता में वृद्धि होगी। तमिलनाडु पुलिस के टॉप ट्रेंडिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर विजय प्रकाश, वही कारण है हैशटैग तमिलनाडु पुलिस, जिसने हर जगह धमाल मचा दिया था। ये दंगा उनके नाम को खराब करने के लिए है। जैसे जैसे उनका नाम बदनाम होता है, हम अच्छा नाम कमाएंगे। हम उसे खलनायक बना देंगे और आपको हीरो में बदल देंगे। शांतिपूर्ण विरोध करने के दौरान पुलिस महकमे ने भड़काए दंगे, जनता में अत्याचार प्रचार है। क्या लगता है तुम्हें? बिजली और गरज के साथ भारी वर्षा की अपेक्षा है। कहाँ? मूर्ति के सामने, टावर जंक्शन के पास। एक नई पार्टी न्यूनतम बजट के तहत बड़े पैमाने पर दंगे शुरू करना चाहती है। मैं करवा लूंगा। अब ऐसा लगना चाहिए कि वो पूरे खतरनाक दिखें, कहीं ऐसा ना हो कि तू सड़क से उठाकर उनको ले आए। अरे नारेबाजी नहीं करते वो, सिर्फ तंबाकू ही चबाते रहते हैं। अबे किसी पुलिस वाले को भड़काना कोई आसान काम नहीं है, हमारे पास दंगे शुरू करने के लिए बड़े लोग हैं। भाई ये फिलिप्स है, भड़काने में माहिर है। नमस्ते नमस्ते, ये आदमी। अरे ये कौन है रे पतली? तुम भी सुअर की तरह दिखते हो, तुम घूरो मत मुझे। अरे ये कैसा था, मैं ये करूंगा, मुझे समय और स्थान दो, मैं वहां पर रहूंगा। अरे ये पतलू में कोई बात तो है ना? इसका नाम क्या है? विजय प्रकाश। विजय प्रकाश, हमें खुफिया रिपोर्ट मिल गई है, एमएमए की पार्टी अपने 500 सदस्यों के साथ पार्टी कर रही है। उनके सदस्यों की संख्या कब बढ़ी? अरे उन्होंने भरने के लिए साथियों को काम पे रखा है, इंस्पेक्टर विजय प्रकाश उनके निशाने पर है, वे उसे भड़काने और दंगे शुरू करवाने जा रहे हैं। अगर वे सफल होते हैं तो इसमें विभाग की बदनामी है। केवल शब्दों के साथ बातचीत करें और उन पर हाथ ना डालें, ठीक है? विजय प्रकाश को साइट पर बिल्कुल भी नहीं पहुंचने देना है। अरे आपने सिर्फ मूर्ति को ही नहीं लपेटा, आपने हमारे स्वाभिमान और साहस को ठेस पहुंचाई है, ये ठेस है, नहीं सहेंगे। अरे क्या आप जानते भी कौन सी मूर्ति है? जब आप इसे खोलेंगे तभी पता चलेगा ये कब लपेटा गया था। देखिए
मैं एक शांत पुलिस अधिकारी हो सकता हूँ। तुम यहाँ भी क्यों हो? इंस्पेक्टर को आने के लिए कहो, इंस्पेक्टर को आने के लिए कहो। hey, इंस्पेक्टर नहीं आएंगे, मैं आ सकता हूँ। जैसे कि आप पावर बैंक है। अरे पास आओ, मैं अपना फोन चार्ज कर लूं। नारा लगाने वालों, सर, इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। हे भगवान, नहीं, मूर्ति को खोल दो। चलो, मैंने कहा, हमने कहा, मूर्ति को खोल दो। सर, उन्हें मना करने के बावजूद भी वो पहुंचे हैं। इंतजार, तुम अपने मामा की बात पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? आपकी उपस्थिति स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर देगी। पूरा प्रेस यहाँ है, कृपया मत आओ। अंकल का पूरी प्रेस यहाँ पे है, राष्ट्रीय चैनलों से लेकर स्थानीय यूट्यूब चैनल तक मौजूद है। आपका नाम खराब मत करो। खतरा नहीं है अंकल, लेकिन एक अवसर है, हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। प्रतिमा को खोल दो। पुलिस आपकी दोस्त है, विरोध करना आपका अधिकार है। जहाँ तक आप बिना किसी उपद्रव के शांति से विरोध करते हैं, पुलिस विभाग सुरक्षा प्रदान करेगी। कृपया जारी रखें। विजय, तुम्हें क्या हुआ है? अरे पुलिस, क्या हम लोगों की तरह शांति से विरोध करेंगे? देखिए, हमने सड़क पर बोतल तोड़ी और कांच भी फोड़ दिए। मैं से गवाह नहीं बना, मैं से किसी चीज पर विचार नहीं करूंगा जो मैंने नहीं देखा। अगर मैं कुछ देखूंगा तो मैं सोचूंगा। आप प्रदर्शनकारियों को क्यों भड़का रहे हैं? पुलिस अत्याचार है। नीचे नीचे नीचे। विजय, आपने प्रदर्शनकारियों को क्यों भड़काया है? जाने हूँ, आजकल तो मेरे बारे में कुछ नहीं लिखती हो। वो दंगे को नियंत्रित करने की बजाय छेड़खानी कर रहा है। सर, उसे कुछ करने के लिए कहो, वो बसों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये भी एक व्यवस्था है। विजय, क्या हुआ है आपको? देखिए, कितना भी हंगामा कर लो, जब तक प्रभावित नागरिक आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अगर आप पुलिस विभाग के स्वाभिमान को भड़काते हैं, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। वे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे? पुलिस दहन, वे जानते हैं। पुलिस अत्याचार, पुलिस अत्याचार। अरे सर, ये तो बेकाबू हो रहे हैं, ये पुतला फूंक कर लोगों को भड़का रहे हैं। अरे वो चौकीदार का पुतला फूंक रहे हैं, आप काम नहीं करते। इंतजार, एक झटक को अभी तितर बितर हो जाएंगे। सुनामी भी हमें नहीं डुबा सकती, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ तितर बितर करने के लिए पानी का टैंकर लाया गया है। अरे हम आग भड़का रहे हैं, हम तो यहीं पर अपनी जान दे देंगे। मैं मुख्य क्लास पानी से मुझे कोई खतरा नहीं है। चलो चलो चलो, तोप तोप चलाओ, तोप। अरे अरे अरे, ये तो पेट्रोल है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये हमारे मुखिया को ऐसे नहीं जला सकते। ऐसा किसने कहा? पुतला जलाने के दौरान खुद को जलाने की बात कहते हुए केस दर्ज करूंगा। आप क्या कहते हैं? ए, मैंने किसी को अपने आप को धधकती हुई आग कहते हुए सुना है? वो रहा वो अधिकारी आपको बुला रहा है। अरे अरे, अपने जीवन के लिए भागो। जिस व्यक्ति ने कहा कि वो अपने प्रमुख के, अरे देखो वहीं पर, अरे भागो भागो, धिक्कार है। उस आदमी का क्या जिसने सुनामी की चुनौती दी? अध्यक्ष, अरे दौड़ाने और पेट्रोल का महत्व नहीं समझते। बंजाराम, देखा देखी एक पुरानी, बहुत पुरानी चाल है। आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, हम एक तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। अवैध बांध विवाद, चीन बनाम भारत, इस मामले की ये अंतिम सुनवाई है। भारत की शिकायत, चीन ने भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर अवैध बांध बना रखा है जो भारत का है। आइए चीन की दलील सुनते हैं। न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीश, सीधे और ईमानदार होने के लिए इंडिया एक टपकता नल है। आपको यहाँ एविडेंस पेश किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी बारिश की पानी की पूजा करते हैं, ना ही इसे बचाना चाहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को कुशलता से बहने देने के लिए उन्होंने बांग्लादेश में उसे बहने दिया, लेकिन हमने इसका कुशलता से उपयोग करने के लिए बांध बनाए। भारतीयों को जलन नहीं होती, इट्स प्योर जेलसी। आपका आधिपत्य, ये बेहद ही घटिया प्रयास है हमारा अपमान करने का। जलन जो हमारा है, उसके अधिकार के लिए लड़ाई करना कोई जेलसी नहीं होती, यह हमारा अधिकार है। यह बस झूठी अफवाह है कि भारतीयों को पानी का संरक्षण या इस्तेमाल करना नहीं आता। यह सब बीते जमाने की बात थी। भारत एक आत्मनिर्भर और खुद में संपूर्ण राष्ट्र है।
पहले लोग ये भी कहते थे कि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आज समय कुछ और है। हमारे पास वाटर मैनेजमेंट के लिए बढ़िया प्लान्स हैं। यहाँ उपस्थित हर देश के प्रतिनिधि के सामने भारत देश की ओर से अपनी कंपनी ओएसिस का नया प्लान प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक भारत एक पाइपलाइन। भारत में जल संसाधन हर राज्य में हर जगह बिखरे हुए हैं। हम उन्हें आपस में जोड़कर सबको पानी देना चाहते हैं, फिर चाहे कोई रेगिस्तान हो या कोई जंगल हो या फिर कोई सूख चुकी धरती हो। हमारा लक्ष्य होगा भारत के हर घर में नल और उस नल से आता हुआ पानी, सिंगल यूनिफाइड पाइपिंग नेटवर्क। इसका पहला चरण दक्षिण भारत के दसारण पहाड़ों में शुरू हो चुका है। कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, 15 नवंबर से डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाएगा और अगले 3 सालों में ये पाइपलाइन नेटवर्क पूरे भारत को एक साथ जोड़ देगा और हम बनेंगे वाटर मैनेजमेंट में अग्रणी पूरी दुनिया में। हम सिखाएंगे दुनिया को कि वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है और साथ में चीन को भी। सर, मेरा इस कोर्ट से आग्रह है कि चीन द्वारा बनाए जा रहे इल्लीगल डैम्स पर रोक लगाई जाए। ये अदालत द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को भारत के साथ एक नई संधि करने के लिए सलाह देती है। हमने अभी अभी चीन को उसकी जगह दिखा दी है कि उसकी असली जगह क्या है। हमने केस जीत लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व करने में मुझे और मेरी कंपनी ओएसिस को बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है। पूरे भारत को हमारे द्वारा पेश की गई इस लाजवाब स्कीम पर बड़ा ही गर्व होगा। मोर्स कोड। मैं भूमिगत था चट्टा, अभी मेरे बाहर आने का सही समय है। राठौड़ ने केस जीत लिया, ये सब करते हुए वो भारतीयों को ठग रहा है, लेकिन अब उसने पूरी दुनिया को ठग लिया है। दुनिया की नजरों में वन इंडिया वन पाइपलाइन एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन सच तो ये है ये तो एक वाटर कंट्रोल नेटवर्क है। एब्सोल्यूट टोटल कंट्रोल। अगर हम पीने के पानी में फंसे मेढक को धीरे धीरे चलाएंगे तो ये भ्रमित करने वाला होगा कि ये उबल रहा है या मर रहा है। अचानक एक दिन ये मौत के लिए फट जाएगा। हमारे लोगों का भी यही हाल है, वे इस बात से अनजान है कि वन इंडिया वन पाइपलाइन खतरनाक है। लोगों का मानना है कि राठौर उनके तारनहार। पूरा सिस्टम राठौर के इशारों पर नाचता है। लोग कहते हैं पानी नीला सोना है, लेकिन अभी ये गोल्ड नहीं है, लेकिन फिलहाल ये देश के नदियों और तालाबों में ही मौजूद है। हमको ये सबको पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ना है और फिर हम ये फैसला करेंगे कि किसको कितना पानी मिलेगा। आप सोच रहे होंगे पानी को गोल्ड में कैसे बदल सकते हैं। वाटर मीटर, हर एक घर में ईबी मीटर की तरह, और इस तरह हम पानी से सोना बना पाएंगे। हमारे लिए सब के सब दरवाजे बंद हो गए हैं। कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं। सब कुछ पहले से तय है, इसे खत्म करने के लिए उसे वापस लौट जाना चाहिए। सरदार को लौट जाना चाहिए। क्या आप उसे मिले? तलाश में हो। मुझे विश्वास है कि वो जीवित है। भले ही सरदार जिंदा हो, वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि वो कोड रेड ना हो जाए। और मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि कोड रेड आखिर कहाँ पे है। इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इसे चुराना है। इसे ना ही आप चुरा सकते हैं ना ही मैं। हमें इसे करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं सरदार की तलाश करूंगा, तुम चोर की तलाश। विजय यहाँ पर यार। अरे तेरी शालू ने मुझ पर केस कर दिया। कौन सा मामला? अरे मैंने तो भाई कुछ भी नहीं किया और उसने मेरे पे मामला दर्ज करवा दिया। मैंने बल का प्रयोग किया और रिश्वत की मांग की। 500 रुपए की रिश्वत कैसे हो सकती है भाई? उसने मेरे खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया। उसने मेरे खिलाफ लूट का केस दर्ज कराया है। मुझे आश्चर्य है कि आप एक वकील की पत्नी का प्रबंधन कैसे करेंगे। ये काफी नहीं कि आप उसे प्रेम का कहते हैं। अरे लेकिन वो तो तुझे कुछ नहीं कहती यार। अरे मुझे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। हम उससे क्या केस लड़ेंगे? एक बार आप उससे बात तो कीजिए। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। रहने भी दो। क्या हुआ?
अरे रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। अरे आप तो लट्टू हो गए भाई। तुम कैसे हो सकते हो? हम एक ही समुदाय से हैं। मैं तुम पर कोशिश नहीं छोड़ूंगा। सही बुलाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। आपको स्वागत है बच्चों, एक सेल्फी चाहिए? हाँ। आपको भाई? ओके, एक सेल्फी। हाँ, आप तस्वीर में होंगे, ठीक है? ओके मामा। मुझे टैग करना। फैंस, क्या चल रहा है? तुम यहाँ मणिकम का बचाव करने आए हो? उठो और चिल्लाओ। मणिकम? उसे क्या हुआ? नहीं जानते। नहीं प्रिय, मैं हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में आपको स्वागत करने के लिए आया हूँ। क्या बादाम का दूध पियेंगे? स्वागत करेंगे। देखिए जरा ये किसका भेजा हुआ है। अरे हाँ, उस पर आपका नाम है, कभी इसका जिक्र नहीं किया। सही कहा, तुम्हारी तरह मैं अपने काम का प्रचार नहीं करती। ए, शालिनी, ये उचित नहीं है, मुझे प्रचार पसंद नहीं है। ठीक है, तुम कितने फिल्म स्टार हो? 5 स्टार। शालू निर्दोष है। बेटी, तुम मुझे बचपन से जानते हो, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उन लोगों का समर्थन करते हैं जो अनैतिक काम करते हैं। आप मेरी बात पर ध्यान दिए बिना जमा कर रहे हैं। तुम जो कहने वाले हो वो तुम कह नहीं पाते, पर मुझे पता है। अरे तुम मेरे बारे जानती क्या? क्या झूठ बोलने आए हो? प्रपोज करने आए हो? तुम्हारे चेहरे पर सारा सबटाइटल दिख जाता है। हाय दीदी, आपको पानी चाहिए? ठीक है। हे शालिनी, हे मैंने को प्रपोज किया पहली बार बाली अंकल की शादी में जब हम बच्चे थे, एक गुलाब के साथ प्रपोज करने आए थे और हिंदी सीखने के लिए आकाशवाणी सुनते थे। शालिनी, अरे सुनो, क्या चाहिए? कुछ नहीं, चल मेरे साथ। दूसरी बार मुख प्रेमी। शालिनी? हाँ माँ। तब तुमने मेरी माँ को गुब्बारे भेजे थे। अरे कौन है वहाँ? तीसरी बार तुम इंटरव्यू देने जा रहे थे 29C बस में, जो कि पूरी खाली थी। तुम लव लेटर लेकर काफी करीब आ गए थे पर पता नहीं क्यों वापस चले गए। देखो चेहरे पे साफ नजर आता है। देखिए, पहले दो बार मैं एक हद तक सहमत हूँ, तीसरी बार अस्वीकार्य है। मैं परीक्षा के कारण तनाव में था, इसलिए आपको कभी नहीं देखा। विश्वास? अलनी, कहाँ थी तुम अब तक? आ रही। हेलो आंटी। आओ विजी, इधर आओ, शायद तुम्हारे साथ एक पिक्चर हमें ड्रिंक करवा दे। चलो भी। थैंक यू विजी, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है मुझे। जेंटलमैन, आप इन्हें जानते हैं, इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। लास्ट 3 महीने से इनकी वजह से #TN पुलिस ट्रेन कर रहा है। रियली प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद मैम। मैं हमारे आउटरीच प्रोग्राम के लिए इन्हें मैस्कॉट बनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है इन्हें तमिलनाडु पुलिस का चेहरा होना चाहिए। अगर तमिलनाडु पुलिस का चेहरा है तो हम कौन हैं? हाँ, हमने विभाग के लिए बहुत कुछ हासिल किया है और हमें इस पर गर्व है। उनके वास्तविक इतिहास को जाने बिना उन्हें विभाग का चेहरा ना कहें, मैं घायल हूँ। वो कहते रहते हैं कि उनका पारिवारिक कार्यक्रम है। उसे पूछेगा ये वास्तव में उसके परिवार का कार्यक्रम है? उसका पिता देशद्रोही और हत्यारा है, ठीक है? मुझे लगता है उसे पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती करना गलत है, लेकिन आप उसे हमारे विभाग का चेहरा बनाना चाहते हैं। हाँ, कितनी शर्म की बात है सर, जाने दीजिए ना इस बात को। विजय, तुम प्लीज चले जाओ, कृपया मेहमानों की ओर रुख ना करो। आप उनसे यहाँ क्या हो रहा है? जो तूने किया है वो देश के प्रति देशद्रोह है। उसका बाप देशद्रोही है, आपका बेटा देशद्रोही है। तुझे कितना हिस्सा मिला याद है? लो कॉफी, लो पी लो। वो एक बेकार अधिकारी है, इसे अपने दिल पे मत लो यार। वो अपने कंधे पर के सितारों के लायक भी नहीं है। अगर मैंने रिश्वत का 25% भी लिया होता ना, आसमान के सारे तारे मेरे कंधे पे होते। वो अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता क्योंकि वो तुम्हारी प्रेमिका का पिता है। ये सिर्फ वो नहीं है जो बोलता है। सबका एक ही मत है, मुझे अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं, लेकिन मैं उसके पापा का भुगतान कर रहा हूं। उसने हमें छोड़ दिया, मेरा पूरा परिवार मर गया। उन्होंने मुझे मरा समझ कर छोड़ देना चाहिए।
क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ? भवानी तुम्हारे लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार चौंक कर उठते हो, मैं तुम्हारे लिए गर्म कॉफी लाऊंगा। ये कैसे प्रासंगिक है? विभाग में मेरे बारे में पूछो, क्या मेरे पास एक काला निशान भी है? किसने तमिलनाडु पुलिस को ट्विटर पर ट्रेंड किया? वो इस पर कभी विचार नहीं करेंगे। जब मैंने विभाग ज्वाइन किया था, इसमें कहा था मेरे पिता देशद्रोही है। मैंने कई अच्छी चीजें की और फाइलों को ढेर लगा दिया। वे फाइलें जिन पर शीश पे लाते ही मैंने जो किया उसके सब भूल जाते हैं। मेरी अपनी पहचान कोई नहीं है। विजी, यदि अपनी एक पहचान की तलाश कर रहे हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी, वो तुम्हारी तलाश में आएगी। ये सब आपके वजह से, आप मुझे अपना बनाकर पाल सकते थे, पतिदेव के रूप में क्यों पाला? तुम विश्वास करोगे अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं? लेकिन जनता विश्वास नहीं करेगी। कॉफी पियो और सो जाओ, पिता का तो छोड़ो, ये भी नहीं मानते कि मामा हूं। आइटम नंबर 73, केस नंबर 11/20, पटिशनर समीरा थॉमस। ये सरकार का कर्तव्य है मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति करने के लिए, इसे किसी निजी कंपनी को सौंपना नहीं चाहिए, लोगों की सेवा के लिए। इसीलिए मैं आपसे वन इंडिया वन पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रद्द करने का अनुरोध करती हूँ। ये योजना जनहित के लिए चलाई जा रही है, सरकार अपने दम पर परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकती, हमें निजी कंपनियों की मदद की जरूरत होगी। वन इंडिया वन पाइपलाइन परियोजना पर कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, इसलिए याचिका की फाइल खारिज की जाती है। अगला चलाओ। कौन है और आप क्या चाहते हैं? आपके पास प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक ही विकल्प बचा है, रेलवे स्टेशन पर जाकर इस व्यक्ति से मिलो समय पर, लेकिन ट्रेन छूट गई। तुम्हारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कब है? पा, जल्दी जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं विजय, मेरे लिए एक क्रिस्पी डोसा तो बना दे यार। आपके पास पर्याप्त था, इस घर में कौन गर्भवती, अंदर करना मुश्किल है। अरे तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है, मेरे पास थोड़ा है, मुझे तो रोज जाना पड़ता है। खराब भोजन से पेट पर दबाव तो पड़ता है। ऐसे नहीं कि सेना अपना खाना दरवाजे पे पहुंचाती है, क्या पेट नहीं दिखते? क्या यार, रोज खाने के लिए बोलते रहते हो। अरे अब ये किसका फोन आ गया? हाँ कहाँ? अच्छा अच्छा, हाँ विजय, राजा जी भवन पर कुछ लोग बिना परमिशन के धरना दे रहे हैं। चल वहां से भगाना है उनको, लेकिन डोसा तो बना दे यार। क्या आपने रिपोर्ट को पढ़ा था? हाँ सर, मैंने रिपोर्ट को पढ़ा था, मैं अलर्ट पर हूँ। सर मले गए मैम, आपने खाना खाया? कहाँ सर, इन एजेंडा वालों ने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। जल की निजीकरण ना करे, जल आपूर्ति का निजीकरण ना करे। जी सर, ये तो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है। जमर वाहन को साइड पर लगाए। क्या प्रेस आ गया? हाँ सर, वो वहाँ है। मेरे बाल अच्छे दिख रहे हैं? हाँ सर, अच्छा है। मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। मालिनी, 5 और विरोधी शामिल होने वाली है और किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया जा सकता है। लेट कौन कर रहा है? हाँ सर, वो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आप जानकार लगते हैं, आपको लगता प्रदर्शन की अनुमति लेनी चाहिए? हमने रिक्वेस्ट की थी। एक लोकतांत्रिक देश है, ध्यान रखें तो बेहतर। लोकतंत्र सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भी है। हम पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं, विरोध करना हमारा अधिकार है। सहमत महोदया, लेकिन हम विरोध को भंग करना चाहते हैं। सर, एक प्राइवेट कंपनी को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अपराध करना एक बात है और अपराध को समर्थन करना उससे भी बुरी बात। मात्र शब्द आपके हो सकते हैं, आपके आदर्श किसी और के लगते हैं। आपके आदर्श किसी और के लगते हैं, मैंने भी यही सोचा। क्या आसामी रिश्वत मांग रहा है? अरे तुम यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो। अड़ोस पड़ोस मैडम, आपको एक बेहतर वकील मिला, जल्दी से बिखर जाइए नहीं तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। अब बल प्रयोग नहीं कर सकते, परी नाजुकता में इस हालत में दोनों साइड ने गलती की है। आप अरेस्ट कर सकते हैं पर विरोध नहीं रोक सकते। अरेस्ट वारंट है? नहीं। तो ये प्रोटेस्ट चलेगा आपके वारंट आने तक, फिर गिरफ्तार कीजिए। ठीक है, अपना विरोध जारी रखो, लेकिन किनारे हटो, हर कोई कोने में पहुंचो, चलो चलो हटो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ऐसा लग रहा है कि आज तली जा रही है, सड़क को ब्लॉक न करें और साइड में चले जाएं। मैंने कहा एक तरफ हटो, मेरी बात सुनो, किनारे हटो, इसे एक व्यवसाय में मत बदलो। चलो चलो हटो हटो, किनारे हटो, मैं मत बदलो एक व्यवसाय में। अरे चलते रहो, क्यों नहीं सुनते, चलते रहो, चलो चलो। अरे मैंने कहा चलो चलो। भीषण गर्मी पड़ रही है, अपना स्टोर पहने। बदतमीज कहीं का मूर्ख। ए जामर बंद करो,
जैमर का स्विच ऊपर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लो लुहान महिला, जैमर चालू करो, वो मुझे परेशान कर रही है। अंग्रेजी सीखने की कक्षा लो, हमारे पास गूगल नहीं है क्या? गिरफ्तारी का आदेश मिला है हमें। इतनी जल्दी? सभी को गिरफ्तार कर लिया जाए और सभागार में बैठाओ। चलो चलो बस में चढ़ो, चढ़ो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी जल्दी। ये क्या है? क्या पुलिस ने तुम्हें छोड़ पहुंचाई? नहीं, अरे जल्दी करो, देर हो रही है हमें। बस में चढ़ो आप भी। शालू, क्या तुम अपनी गाड़ी में छोड़ दो? मैं भी विरोध ही कर रही थी, तो मैं भी चढ़ूंगी। हाँ, जैसी आपकी मर्जी। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, यहाँ क्यों आए? मेरे पास गाड़ी है, पर इसे देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। बेवकूफ। चालू, तीन बार के हमले में इसे ले लो। अगर मैं हिम्मत जुटाकर आपको प्रपोज करता हूँ तो आपका जवाब क्या होगा? क्यों पूछते हो मुझे? दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ और पुरानी बातों को याद करो, और उस शालिनी से पूछो, ठीक है? सभी को सरना अत्रिका नमस्कार। आइए छाया गीत में प्यार से प्यार करें। क्या हम पुरानी यादों को फिर से देखें? जैसे कि आपने पहले बताया, वही 29C बस, हम बस में अकेले हैं। तुम श्योर हो कि हम बस में अकेले हैं? तो ये सुनो, बस से उतर जाओ। तस्वीरें भेजना ना भूलें, ठीक है श्रीमान? सच बताऊं, मुझे पता है कि मुझे पसंद करती हो। हाँ, पसंद करती थी तुम्हें, पर उस पुराने वीजी को। मैं अभी वही हूँ, कुछ नहीं बदला है। इस वीजी ने वही किया जो वो चाहता है, अपनी शर्तों पे जिया। लेकिन अब तुम लोगों को खुश करने के लिए उनकी शर्तों पे जीते हो। मुझे उम्मीद नहीं कि आप समझेंगे। पता है तुम अभी बहाने बनाओगे, पर कब तक ये बहाने चलते रहेंगे? वीजी, तुम जैसे डर में जी रहे हो अपने पिताजी के इमेज की वजह से। खो गए हो तुम। अब तुम चाहते हो तुम्हारी पिक्चर टीवी या बैनर पे आए, लोगों से वाहवाही पाने के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो तुम। नकली बन गए हो बेजी। भूल जाओ, मुझे आप पसंद करते हैं या नहीं। इतना भी सिंपल नहीं है, जैसे फेक और शैलो बन चुके हो तुम। ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना निशान के जीवन जीता है वो मेरा दर्द नहीं समझेगा। आप अपनी परीक्षा देने गए तो उन्होंने आपसे क्या पूछा? क्या आपके पास हॉल टिकट है? आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या पूछा? उन्होंने मुझे एक प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा कि मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं। और भवानी दीदी, आर्ट्स वीटर्स ने उसे रिजेक्ट किया। ये सब मेरे पिता की वजह से है। जब भी मैं टीवी पर अपनी फोटो या समाचार देखता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं अपने पिता के पासवर्ड को प्रेषित कर रहा हूँ। जब भी मैं तुम्हें प्रपोज करने आया, मुझे डर गया था कि मुझे वैसे देखोगे जैसे लोग देखते हैं। आज पहली बार मैंने अपने डर पर काबू पाया। मुझे विश्वास है कि तुम समझ गई होगी, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं अपने पिता के कारण बहुत कुछ खोया है। मैं मानूंगा कि मैंने अपने जीवन का प्यार खो दिया है। ए, बस रखो। विजय, 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 यहाँ पर आइए। क्या है वो? क्या आपको राजाजी भवन में हुए धरने को भंग करने के लिए भेजा गया था क्या? हाँ? हाँ। क्या आपके पास सभी प्रदर्शनकारियों का विवरण है? मेरे पास FIR। मुझे FIR लाओ, दिखाओ। ठीक है। कुछ सीरियस है? मुझे बताया गया कि एक महत्वपूर्ण फाइल गुम हो गई है। राजाजी भवन सीसीटीवी कैमरों को क्या? निराशाजनक, जैसा कि हमने विरोध को रोकने के लिए जैमर का इस्तेमाल किया था ना, वो सुरक्षा कैमरे नीचे थे। तब डाउन टाइम के दौरान कोई अंदर घुस गया और उसने फाइल को चुरा लिया। राजाजी भवन में इतना महत्वपूर्ण क्या था? राजाजी भवन का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। एक गुप्त सुरंग है वहाँ पर, ठीक है, समझे? रॉ रिकॉर्ड रूम टनल के अंदर है। रॉ रिकॉर्ड रूम? रॉ रिकॉर्ड रूम, हाँ। इसमें सेना के पुराने राज हैं, वे कोड रेड और रेड लेटर बुला रहे हैं। जिसने भी इसे चुराया वो अपने देश का गद्दार होगा। ये एक क्रिटिकल फाइल है। CBI से लेकर रॉ तक में गड़बड़ी की जा रही है, इसे क्रैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं बेहतर छोड़ देता हूँ, नहीं तो वो मुझ पर टूट पड़ेंगे। अलविदा विजय। वकील मैडम, ये लोग जांच के नाम पर हमें मार रहे हैं।
जल्दी कीजिए, आप यहाँ आइए। शांत हो जाओ, हुआ क्या है? जैसा कि हमने विरोध किया था, पर पुलिस यहाँ हमारे ऊपर जांच के नाम पर हाथ उठा रही है। अब एक बार आके देखिए तो सही, कितनी बेरहमी से मार रहे हैं। पुलिस को एक शब्द भी मत कहना, 10 मिनट बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हेलो, ये क्या हो रहा है विजी? पुलिस प्रोटेस्टर्स को मार रही है और तुमको ये पता है? ये क्या फालतू का बकवास चल रहा है? अपराध करना एक बात है, लेकिन अपराध का समर्थन करना सबसे बड़ी गलती है। स्थिति की गंभीरता जाने बिना गाली गलौज ना करें। पुलिस अपने कर्तव्य अच्छी तरह जानती है कि किसे जांच करनी है और किसे नहीं। माइल, तुमने मुझे रहने के लिए क्यों कहा? अब्दुल का है, वो अंदर प्रार्थना कर रहा है। स्वर की तरह सो रहा है। मुझे वीरो से तस्वीरें दिखाओ। जरूर विजय, पिछले एक हफ्ते से हम प्रकाशित करने के लिए नई सामग्री खोजने के लिए बेताब हैं। हमें कुछ अंदर की खबर देना। अरे इस खबर को छापने में मजा आएगा। अच्छा अच्छा, ये अच्छी तस्वीरें हैं। वो तो विरोध हुआ था ना, मुझे उनकी तस्वीरें दिखाओ। अगला अगला, बस इतना ही? इसके बारे में है फोकस आउट की कुछ तस्वीरें रिसाइकल बिन में है। रिसाइकल बिन दिखाओ। अगला अगला, ये चोट कैसे लगी? सर, उसका बेटा बहुत बीमार है, सर ने कहा तुम जा सकते हो। ये चारों मुझे भेज दो और फिर डिलीट कर दो। बिल्कुल, जैसा आप कहें। आप सब नाराज होकर पहुंचे, मुझे बताओ ये क्या है? मैं समाचार प्रकाशित करूंगा। तुमने मुझसे सामग्री मांगी, सुबह सुर्खियों के साथ लौटूंगा। मुख्य बातें कातिल, ये एक महत्वपूर्ण मामला है, मुझे बताओ। मुझे एबीपी की रिपोर्ट देखनी है, एक महिला हर जगह है, सभी कंट्रोल रूम को सूचित करो। नाम समीरा, उम्र 30 से 35। ए, अपने बैग चलो। नीली सलवार और ग्रे स्टोल पहना। सुनिए, सीबीआई आपसे संपर्क कर सकती है। मेरा मानना है ये हाई प्रोफाइल मामला है। हाँ, मुझे लीड मिली। तुम मूर्ख मत बनो और इसे उगल दो। जब आप अपने स्थान का पता लगाए तो सीधे मेरे पास आए, बाद में आप जरूर बता सकते हैं। ये क्या है चाचा, तुम घर पर क्यों नहीं हो? मैंने कुछ बढ़िया पकड़ा है। क्या है वो? मैंने कुछ बढ़िया पकड़ा। इन सभी वर्षों में मुझे अपना पहला टारगेट मिल गया। देशद्रोही को गिरफ्तार करने कल मेरा जश्न मनाया जाएगा। तुम खाओ, सो जाओ, जब मेरा काम हो जाएगा मैं फोन करूंगा। सर, टिमोथी, टिमोथियस 29/6 सर। थैंक यू सर। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। हेलो, ये सब है क्या? एक चोर हमारे घर में घुस रहा है, प्लीज यहाँ पुलिस भेजिए। वो बहुत ताकतवर है, 20 पुलिस भेजिएगा। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश बोल रहा हूँ। आपने डाल नहीं किया? मुझे लगा तुम पुलिस का नाम सुनकर डर जाओगे। बहुत बढ़िया, शातिर चोर हो तुम। अरे मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। कैसे विश्वास करूँ, वर्दी भी नहीं पहनी है तुमने। क्या हूँ? वो देखो, वो मेरी जीप है। ओह, तुमने पुलिस जीप भी चुरा ली क्या? भरोसा करो। आपकी माँ कहाँ है? हाँ, क्या आप माँ को गिरफ्तार करने आए हो? तुम क्यों पूछ रहे? मेरी माँ को पकड़ने के लिए हमेशा पुलिस आती रहती है, इसलिए पूछा। नहीं, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। ऐसा है तो इसमें आपका क्या कसूर है? माँ तो यहाँ नहीं है। कैसा, कुछ आपने स्केच किया है? हाँ। वाह, क्या तुम्हारी माँ का लैपटॉप है? हाँ। मुझे पासवर्ड दो। पासवर्ड नहीं दे सकता। $@RTR। आखिरी बार माँ से कब बात की थी? शायद 2 घंटे पहले। उसने कहा केक लाया हूँ, दरवाजा खोलो, और उसने कहा कि सुबह वो घर लौटेगी। चाइडिया, वो कॉल कहाँ से आया था? केक की दुकान से मुझे फोन किया था। ऐसा नहीं कि वो नाई की दुकान से बुला सकती थी।
क्या स्मार्ट वॉच है? ताकि माँ मुझ पर नजर रख सके। क्या इस घड़ी से आपकी माँ को ट्रैक कर सकते हैं? मुझे लगा तुम चोरी नहीं करोगे। मैंने आपकी अनुमति मांगी थी, तुम्हारी माँ का लैपटॉप इसे वापस कर दूंगा, सुरक्षित रहे। आपने ताला दरवाजा तोड़ दिया, अब मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ? जय हिंद सर। तुमने बैरिकेड्स क्यों लगाए? एक डॉक्यूमेंट गुम हो गया सर, उन्होंने बोला कि हर लेडी की गाड़ी को चेक करना है। बैरिकेड्स को एक साइड करो, बैरिकेड्स को हटाओ। क्या वो लोग माँ की तलाश कर रहे हैं? नहीं भी नहीं। हेलो सर। ये महिला यहाँ आई थी? नहीं सर, मैं नहीं जानता। सर मैं उसको पहचान सकता हूँ, शायद दो घंटे पहले वो यहाँ पर बैठी थी, वो अचानक से खड़ी हुई और उसने एक हैम्पर पैक करने को क्या बोला। पैक कर सकते हैं सर? टेक अवे और डिलीवरी मैम। डिलीवरी। बाद में उसने मुझे अपना पता दिया और किसी को देखते हुए वो पीछे के दरवाजे से भाग गई। खोलो इसे। सर चाबी काउंटर पर है। लेकर आओ। हे, इसे वहीं पकड़ो। क्या किसी और ने पूछा इसके बारे में? किसी ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन एक सरकारी गाड़ी से चार आदमी निकले और कैफे के ग्राहकों से पूछताछ की। किस तरह की गाड़ी? पता नहीं सर, कैसी थी वो। हाँ, लेकिन गाड़ी के सामने दो तलवारों का क्रॉस बना हुआ था। खुफिया विभाग। मैं गणेश हूँ और मेरा नंबर है 8055058065 है सर। हेलो, इस यार एक आइसक्रीम की दुकान, मैं पहले ही वहां पर हूँ। वो भाग गई है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है यहाँ पर, उसके बचने की कोई भी संभावना नहीं है। बेटा, क्या तुम इस क्षेत्र में किसी को जानते हो जो आपकी माँ को जानता है? नहीं पता। चॉकलेट पसंद है? कितना चॉकलेट खिलाओगे मुझे? मेरे दांत खराब हो जाएंगे। और आइसक्रीम? कुपुसमी, नंबर 5, पहला मेन रोड, इंदिरा नगर। आप कौन हैं? क्या आप समीरा को जानते हैं? आप कौन हैं? इंस्पेक्टर विजय प्रकाश, समीरा पर धारा 124A देशद्रोह लगा है। अगर आपने उसकी मदद की है तो आप पर भी वही धारा लगेगी। देशद्रोह का मामला है सर, आपकी धारणा गलत है। मैं इसका जज बनूंगा। आप उस बारे में क्या जानते हैं? मैं टिमी का डॉक्टर हूँ। मैं उसे तब से जानता हूँ जब वो पैदा हुआ था। मुझे आपको सूचित करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन हम सच को स्वीकार करना जानते हैं समीरा। टिमी को सर्काइडोसिस है, जो एक सूजन की बीमारी है। उसके फेफड़े प्रभावित हैं। उसके पास मैक्सिमम 4-5 साल है। डॉक्टर, इसका कारण क्या है? अगर मैं सिर्फ एक डॉक्टर होता, पर्यावरणीय कारणों का निदान कठिन है और मैं बहाने के रूप में भाग्य का दोष देता हूँ। एक पारिवारिक मित्र की तरह कह रहा हूँ, बोतलबंद मिनरल वाटर इसका कारण बनता है। जब पानी की बोतल पुरानी हो जाती है तो, या सूर्य के संपर्क में आती है तो बोतल में BPA केमिकल बढ़ जाता है, और टिमी को बीमारी होने का यह भी एक कारण हो सकता है। माँ, क्या हम सिर्फ अपने लिए ही सांता से गिफ्ट मांग सकते हैं? तुम्हारे मन में और कान है? मेरी तरह और कोई बीमार ना पड़े, साथ में तुम्हारी तरह माओ को कभी रोना ना पड़े। सांता को ये मैसेज कैसे सेंड करे? उन्हें लेटर लिखकर रिक्वेस्ट करते हैं ताकि सांता हमारी बात सुने और हमारी मनोकामना पूरी करे। डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज नहीं? क्या मेरे बेटे का उदाहरण देके भी इस कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता? समीरा, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारे सिस्टम में एक बार BPA अप्राप्य हो जाए तो ये पता लगाया जा सकता है। चेन्नई मेट्रो में रोजाना 650 टैंकर और 700 ट्रक चलते हैं, और रोजाना 230 करोड़ लीटर पानी शहर भर में बांटा जाता है, और तुम यहाँ पर आके छोटी सी बोतल पकड़ के मुझे धमका रही हो। हो सके तो किसी तालाब और नदी से पानी लेकर आओ, फिर बात बने, मैं इसकी जांच करूंगा। आप इस बोतल के पानी की परीक्षा क्यों नहीं करेंगे? क्या कोई रोक रहा है आपको? मेरे लिए कोई रूल्स नहीं है,
इसी तरह का काम हम करते रहते हैं। इस बात को जरा कैमरे पे भी बताना। क्या मैडम, आप कैमरा को निकालेंगे? अगर मुझे बता देते तो मैं अपना थोपड़ा तो बना लेता। चल यहाँ से भाग। कहाँ से रो रो सुबह सुबह आ जाते हैं, पागल कहीं? क्या आपको एहसास है ये कितनी बड़ी डिजास्टर क्रिएट कर सकती है? मैडम, इस्तेमाल करने के बाद बोतल को क्रश कर दें, सीधी धूप से दूर रखें। हमने हर बोतल पर स्पष्ट चेतावनी छापी है, हम कैसे जिम्मेदार हैं? मोटे मोटे अक्षरों में हर भाषा में अपना नाम छापना आप नहीं भूलते हैं, पर वार्निंग लेबल हर आदमी के लिए आप इतना छोटा छोटा रखते हैं कि कोई पढ़ भी नहीं सकता उसे। ये बचाने के लिए है, छुपाने के लिए नहीं। पर खुद को बचाने के लिए मैं इस बात को टाल नहीं सकती। उसने बोतल बंद पानी कंपनियों के खिलाफ जल योद्धा बनी। आप उस पर देशद्रोह का आरोप कैसे लगा सकते हैं? हर साल करीब 2000 बच्चे प्रभावित होते हैं। जब कोई प्रभावित बच्चा इलाज के लिए मेरे पास आता है, हालांकि ये बीपीए के कारण होता है, मैं इसे पर्यावरणीय और अनुवांशिक कारण कहकर साइन ऑफ कर देता हूँ। मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए। वो सभी बच्चों के लिए विरोध कर रही है। वो एक नेक इंसान है सर। तुमने कब, तुम्हें दवाई लेने की जरूरत है? डॉक्टर ने बता दिया ना, मुझे इसका दुख नहीं है। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? चलो माँ से मिलना है। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश। हाँ इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हमारे पास एबीपी का सबूत है। ग्रे शॉल के साथ उसने नीली सलवार पहनी हुई है। तुम उसे कहाँ पकड़ रहे हो? सर लेकिन वो हमें जिंदा नहीं मिली। बेटा क्या ये तुम्हारी माँ है? सिर हिलाने से मदद नहीं मिलेगी, कहो हाँ या ना। मेरी माँ। लड़के की शिनाख्त हो गई है, चलो उठाओ इसे। बेटा एक तरफ हो जाओ। समीरा ने राजाजी भवन से महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराए। जब अधिकारियों ने उसे घेर लिया और कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने आत्महत्या कर ली। हमें लगता है उसे बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। क्या आप दस्तावेज का विवरण जानते हैं? वो वर्गीकृत जानकारी है, यहाँ तक कि हम इसके विवरण से अवगत नहीं है, लेकिन उसने देशद्रोह किया, उसने सैन्य रहस्य चुरा लिए हैं। उसके गुजर जाने के बावजूद भी हम जांच करने के लिए जा रहे हैं और फिर दोषी पाए जाने पर उन सभी पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। अरे छोटे बच्चे की तस्वीरें मत लो, इसे नहीं करो। आप किसी नाबालिग की फोटो नहीं ले सकते। मम्मी ने बताया था अगर मैं ना रहूं तो मम्मी क्या करेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि वो नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई और है? विक्टर दादाजी है, क्रिसमस पर अपने पास ले जाने बोली थी मम्मी ने, और साथ में सांता क्लॉस के लिए एक चिट्ठी भी भेजने के लिए कहा था। यह रहा लेटर, लेकिन मेरी माँ तो नहीं है। क्या आप ये पोस्ट करने में मेरी मदद करोगे? सर समीरा के बेटे को जांच के लिए भेजना है, उसके ऑर्डर्स हुए हैं। सॉरी सर, हम नहीं बता सकते, ये प्रोटोकॉल्स हैं। सर कहाँ ले जा रहे हैं उसको? ये लड़का निर्दोष है सर।
कृपया उनके सवालों को सच्चाई से जवाब देना। डरे नहीं, अपनी घड़ी पहन ले, वो दादाजी विक्टर के पास ले जाएंगे। विजय देख लो, आप इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने वाले पहले व्यक्ति थे, आप एपीबी डालने वाले पहले व्यक्ति थे। जैसा आपका केस है, मैं केस फाइल लेकर आया हूँ। कल की सुर्खियां होगी, इंस्पेक्टर विजय प्रकाश ने गद्दार को पकड़ लिया। आप नेशनल टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज होंगे। तुम उदास क्यों दिखते हो भाई, ये एक राष्ट्रीय मामला है। ए विजय, क्या हुआ है? प्रेस के देशद्रोही होने के बारे में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पिछले रात को ही मामला दर्ज किया था, लेकिन सुबह के किनारे पर मृत पाई गई। वही साथ में थे, बताकर मामले को बंद करने के जल्दी में। इसमें कोई साजिश है। जब मैं बच्चे को देखता हूँ, मुझे अपने सपने याद आते हैं। वो मेरे स्थान पर है और मैं आपके स्थान पर हूँ। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। चाचा, मेरे पिता एक अपराधी थे, ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं इसे सहन कर रहा हूँ। लेकिन उनकी माँ एक अच्छी औरत थी, मेरी तरह उस लड़के को सहन नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ, सावधानी से चलूंगा, हार नहीं मानूंगा। हे हे विजय, डॉक्टर ने आत्महत्या की पुष्टि की है। वो मारी गई। आपको पता है उसके फेफड़ों में 4 लीटर पानी घुस गया था। तीसरे पन्ने देखे, यही पीने का पानी है। अगर पीने का पानी है तो समुद्र किनारे कैसे? पांचवें पेयर पर ये कहता है कि पानी में 75% क्लोरीन था। उन्होंने क्लोरीनेशन टैंक में डुबो दिया। आप क्या करें? क्लोरीनेशन टैंक कहाँ मिलता है जो एक व्यक्ति को डुबो सकता है? स्विमिंग पूल, पानी कंपनी, और क्या, मेट्रो का पानी। हाँ सर, सर इस फोटो को देखो जरा। सर ऐसा नहीं है कि पानी के टैंकर से उसकी मौत हो गई है। तुम यहाँ क्यों हो? मैं सहयोग नहीं कर सकता, शायद मुझे उस पर दया आ जाए। मुझे दया आ गई, वो काफी नहीं है, भाड़ में जाओ। विजय ये साला टगलू कुछ भाव ज्यादा खा रहा है। हेलो, क्या आपने कभी थाने में शिकायत दर्ज कराई? हम भी ऐसे ही करेंगे। चलो, ये एक अलग तकनीक की मांग कर रहे हैं। अम्मा एक माला दे दो। अरे आधा फूल के साथ क्या करोगे, कम से कम 2 फूल तो ले जाओ। फिर मेरी बहन को फूल पहनने के लिए भी खरीदनी पड़ती है। क्यों, तुम्हारे बहन के बाल लंबे नहीं है क्या? देखो इसे कहीं देखा है? क्या बहन है तुम्हारी? मेरी बहन को जानती हो? हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे अम्मा देख रही हूँ तुम काफी गले फाड़ फाड़ के चीख सकती हो। ये पानी अच्छा है आंटी, ये बोतल का पानी जहरीला है। जहर? हम बोतल बंद पानी खरीदते हैं क्योंकि ये शुद्ध होता है। इस बोतल की वजह से ही आज हमें पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। पहले तो हमें पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए हमसे, लेकिन धीरे धीरे हमें पकाने और धोने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा। तुम सही हो माँ, रोज बर्तन मांजने के 10 रुपए जाते हैं मेरे। जानकारी के बिना तो हमें इसकी आदत हो जाएगी, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक दिन भूमि जल भी खत्म कर देंगे और हमसे ही पैसे कमाएंगे। तब तो हमारे पास फूलों के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बेवकूफ मत बनो। तुम्हारी बहन ने बहुत कोशिश की थी, ट्रक ठेकेदार लोगों से लेकर पानी कंपनी के मालिक तक, सब खूनी कुत्ते हैं सर। अपनी बहन का ख्याल रखना, भगवान भला करे। मुझे देखो, वो एक ही कुएं से पानी निकाल रहे हैं, घरेलू टैंकर भर रहे हैं। वो देखो, पूरे 10 रुपए प्रति घड़ा खाना बनाने का पानी, टैंक के रंग से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं वो। 2000? अरे और कीमत बढ़ाओ। अरे यहाँ 250 रुपए तो दो ना। अरे वो सूना इलाका है और वहाँ का बादशाह है मैं। लोगो क्या तुम इसे जानते हो? क्या तुम CID से हो? केवल प्रश्न का उत्तर दो। अपना काम कर, चल भाग जहाँ से, नहीं तो AC को फोन करता हूँ। चल DC को करता हूँ। चाचा AC और DC से परिचित हैं, उसे क्षमा मांगे। यकीनन करूंगा। सॉरी बोलता है खाली। ले जाओ इसे। मैं जांच अधिकारी नहीं हूँ, माफी माफी मांगू। सॉरी सर। क्या किया तुमने उसके साथ? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, समीरा ने किसी को नहीं बख्शा सर। उसने बोतल बंद कंपनियों के साथ पंगा लिया था सर, इसके अलावा उसने 9 कंपनियों को बंद करवा दिया। लेकिन ये नहीं था सर, उसने ऐसा काम कर दिया सर कि उसने एक वीडियो जारी किया। वीडियो देखने के बाद मैं डर गया था। उसने सभी के बारे में बोला सर, सभी के बारे में, किसी को नहीं बख्शा। अचानक से उसको वीडियो बनाते हुए किसी ने उस पर हमला किया और उसकी मौत हो गई सर। मुझे यकीन है कि ये किसी पानी कंपनी के मालिक ने करवाया होगा सर। कौन सी कंपनी? हैप्पी ड्रॉप्स वाटर कैन फैक्ट्री।
ए, मैं हवाई अड्डे पर हूँ, मैं वर्दी में हूँ, मैं हाई अलर्ट पर रहूंगा, ठीक है सर? वो एक निराश अधिकारी है, मैं जो कहता हूँ उस पर वो विश्वास नहीं करता, ये कंपनी भी सील है। पर वो संगीत कैसे सुन सकता था? मुझे नहीं पता। हे, तुम इतनी तेजी से चढ़े। हे विजय अंकल, सीसीटीवी कैमरे हैं लेकिन स्विच ऑफ है, मुझे यकीन है अंदर। हार मत मानो, मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। अरे पता नहीं आप पुलिस में कैसे भर्ती हो गए? मैं ही था जिसने तुम्हें पुलिस में भर्ती कराया। काउंटर देने वाले पहले बने। हेल्प मी। पत्थर उठाओ और ऊपर चढ़ो। ओ गॉड, मुझे एक मील का पत्थर मिला है। इस समय मैं आमतौर पर विभाग के वाहन को एक कोने में खड़ा कर देता हूँ और रात में सवारियों और चाय वालों को धमकाते हैं। इसके अलावा मैं एक छोटी सी झपकी लेता हूँ, लेकिन ये आदमी मुझे यहाँ ले आया काहे? अब मुझे इसके माध्यम से उड़ते हुए देखे हैं। मैं लचीला होने का आदी हूँ, इसके माध्यम से स्लाइड करने जा रहा हूँ। मैं आता हूँ। अरे भाई, मैंने तेरे को बता लिया। ये लाइट क्यों जा रही है यार? देख तो वहाँ कौन है यार। हे, कौन है वहाँ पर? हे, मैंने पूछा कौन है तू? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे चेहरे पर नहीं, उधर फ्लैशलाइट मारो। तुम्हारे तांश खेलने में कोई समस्या है क्या? हेलो भाई, अबे तेरे से पूछ रहे कौन है रे तू? यहाँ कितने टैंकर हैं? अबे तेरे से पूछ रहे कौन है तू? अबे रुक ना, कौन है रे तू? शाने क्या ढूंढ रहा है? तब बताऊंगा जब मुझे मिल जाएगा। बाजू हटो। अरे भाई की कोई इज्जत ही नहीं है क्या? खुद तो आराम से आ गए, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अरे एक बार तो सोच लेते यार, मेरा पेट फंस गया है। क्या आप एक उपद्रव बना रहे हैं? चौकीदार, मेरे मामा का पंच फंस गया है, साइड गेट खोलो, किसी को भेजो। हिम्मत कैसे हुई? अरे आपने हमें किसके लिए पैक किया? मैंने आज ही मनाली को गज मारा था। मैं बोतल फैक्ट्री में हूँ, लगता है उसे डर नहीं है। ठीक है मैं संभाल लूंगा। आप नहीं जानते कि आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैंने मनाली गज को मार डाला। अंकल, मनाली का गज याद है क्या? 20 सेकंड उसे मार डाला है ना? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे ये तो पुलिस वाला है। वो सब कठपुतली है, वो झूठ कभी नहीं बोल सकते। मैं उन्हें सबक सिखा रहा था। अरे मैं फंस गया हूँ, मेरा दर्द हो रहा है यार, अब तू उसे सबक सिखा रहा है? ए, मैं सीरियस हूँ, वे सील बंद फैक्ट्री चला रहे हैं, मुझे यकीन है कि वे शक्तिशाली है, संभल के चलना चाहिए। ले वो गया। विवि जी, मुझे चौकीदार भेजो, फिर लड़ो। दादा यहाँ सब व्यस्त है। सर, मेरा कान मौके दर्द हो रहा है। अब तो थोड़ी देर में बोलेगा जरूर, झूठ बोल रहा है, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ये उपद्रव भी होते हैं ना? मेरा अरे, मैं तो सोने लगा यार, सर आराम कर रहा हूँ। सर, अरे सर, प्लीज सर, नहीं सर, सर, हे भगवान, नहीं, छोड़िए सर, छोड़िए। अरे सर, क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं, मेरी मदद करो। सर, दर्द हो रहा है सर। क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? महोदय, आपको बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पुलिस का दोस्त हूँ, इसके अलावा मैं आपका फैन भी हूँ सर। खूनी झूठा, आपने कुछ मिनट पहले मेरा पीछा किया, मुझे एक सूचना मिली है। सर मुझे बताइए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं सबके साथ सहयोग करूंगा और आपके लिए इसे खोजूंगा सर। सच की तलाश कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, मुझे डोज की जरूरत नहीं है सर, मैं इसके लायक नहीं हूँ सर। मुझे बताओ तो सही, आप क्या ढूंढ रहे हो? मैं करूंगा सर, करूंगा। क्लोरीन टैंक कहाँ है?
लड़की के साथ क्या किया? सर सर मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मुझे गेट खोलने को कहा था सर। वहाँ पर एक एक गाड़ी आई थी सर, उसमें एक लड़की थी, उन्होंने उस लड़की को बांधा हुआ था सर। बाद में एक आदमी आया सर, मैंने पहले उसको कभी नहीं देखा था सर। उस आदमी ने उसको कैलोरीन टैंक में डाल दिया था सर। बस जल्दी होता, पानी के नीचे सांस लेने में सक्षम नहीं है, है ना? उन्होंने से क्या पूछा? उन्होंने एक फाइल के बारे में पूछा था सर। तुम गुप्त प्रवेश के बारे में कैसे जानते हो? तुम्हें फाइल के बारे में किसने बताया? उन्होंने और क्या पूछा? उन्होंने एक सिंक के बारे में पूछा था सर। भैया से नहीं थे सरदार? सरदार के बारे में क्या जानते हो? मैं सरदार से कभी नहीं मिली, पर मैं जानती हूँ कि तुम लोग उससे बहुत डरते हो। सरदार का नाम सुनने के बाद ही उसने एक वीडियो जारी किया है, उसने उन सबका पर्दाफाश कर दिया, सबका ही। पासवर्ड दे। $RDR। मुझे समीर का लैपटॉप चाहिए, मैं जोखिम उठा रहा हूँ, बेहतर होगा आप इसे वापस कर दें। चलो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घर के लिए 35 रुपए का कैन का पानी खरीदते हैं, या फिर बाहर जाते ही 20 रुपए का बोतल पानी खरीदते हैं। बोतल बंद पानी पीने के कारण मेरा बेटा बीमार हो गया है, और जब मैंने इन बातों को जानना चाहा और गहराई से छानबीन की, तो मुझे पता चला कि भविष्य में हमारे लिए पानी की संकट कितनी बड़ी संकट होने वाली है। वन इंडिया वन पाइपलाइन इस योजना का उद्घाटन माना जा रहा है कि भारत की पानी की समस्या को खत्म कर देगा, पर ये किसी बिजनेस से कम नहीं है। स्टॉक खत्म होने तक वो लोग बिजनेस करेंगे, और एक दिन ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। ऐसा ही केप टाउन में भी हो चुका है, और फिर शुरू होगी डिपार्टमेंटल स्टोर में लंबी लाइन, लंबी कतारें, फिर बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इस बिजनेस की चपेट में आ जाएगा। जैसे हर कोई केप टाउन में पानी की कमी से जूझ रहा है। कोचाबंबा में बोलीविया के लोग जब एक नदी से पानी लाने जाते हैं, तो एक निजी जल वितरण कंपनी ने उन लोगों को गोली मार दी, लोगों को चोर कहा, पानी पीने से मना कर दिया, नियम लगाया, दंगे लगाए, सेना से अत्याचार करवाया, और ये तबाही से कम नहीं था। और ये बोलीविया तक ही नहीं रुका, अर्जेंटीना, फिलीपींस, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी ये जल संकट बहुत बड़ी संकट है। इतिहास खुद को जरूर दोहराएगा, हमारे देश में भी यही होने वाला है। जल को एक स्रोत या संसाधन के रूप में मानने के बजाय, अब हम इसे एक व्यवसाय उत्पाद के रूप में देखने के आदि हो चुके हैं, और हमारे इसी आदत से कोई फायदा उठा रहा है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, और तब तक पानी को छुपा देंगे, और इससे पानी की कीमत और बढ़ेगी। ये लोग और कुछ नहीं, राठौड़ और ओएसिस जैसे वाटर माफिया है। वाटर माफिया, दुनिया भर में लाखों लोग इसी योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर हम यहाँ लड़ रहे हैं राठौर जैसे वाटर माफिया से, जहाँ हमारे पास कोई मौका नहीं। अगर उन्हें रोकने के लिए किसी के पास कोई साधन है, तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। टिमी को सार्कोइडोसिस है, तब तो फूलों के लिए भी पानी नहीं बचेंगे। इस बोतल में जो जहर है वो नॉन ट्रेसेबल है। कृषि के लिए खोदे गए कुएं को भी नहीं बख्शते। खाना पकाने के पानी की कीमत है, बोतल बंद पानी का प्रेक्षण नहीं कर सकता। इट विल बी बिगेस्ट हेल्थ डिजास्टर। वो इसे 600 में खरीदते हैं, 60,000 में बेचते हैं। कभी कह रही हूँ बेवकूफ मत बनो। इसे पकड़ो, यही होगा। बहन क्यों? उबला हुआ पानी पिए। उबला हुआ पानी? बताओ। जी, बहुत अर्जेंट है, यहाँ आ जाओ। रेस्ट्रिक्टेड साइट पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ ये साबित करने आई थी कि समीरा दोषी नहीं है, पर मेरे आने के बाद ही मुझे पता चला कि उसने किया है। ये देखो, राजाजी भवन 1974 का ब्लूप्रिंट है।
उसे रॉ रिकॉर्ड रूम के सीक्रेट डोर के बारे में कैसे पता चला? उसे ये चाबी किसने दी होगी? वो जानती थी पुलिस जैमर लगाएगी, उसे वहां घुसने के लिए किसी ने रास्ता बताया होगा और उसी बीच उसने ये सब हटा दिया होगा। वो यहाँ अकेली नहीं है, उसके पीछे भी कोई है। मिशन फेल हो गया, समीरा मर चुकी है। चेटा, केवल समीरा मरी है, लाल अक्षर अभी बाकी है। अभी तक ना तो सीबीआई के पास है और ना ही राव या राठौर के पास। समीरा खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन किसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया उसने? सरदार, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरदार को लाल अक्षर मिले हैं। सरदार कहाँ है? आज ही सुबह मुझे समीरा का सामान मिला है। देखो, ट्रेन के इतने सारे टिकट हैं। जितना मुझे मालूम है कि उसने ट्रैवल नहीं किया है। अगर वो यात्रा नहीं करती वो किसी से मिलने स्टेशन गई थी। कोर्ट में मैंने व्हीलचेयर में एक आदमी को देखा था, शायद ये टिकट उसी के लिए है। यानी ये उनके मिलने का समय स्थान था। ये देखो, कल सुबह 4:30 बजे का ट्रेन का टिकट है। समीरा किसी न किसी से मिलती रहती थी, अगर हम उसे पकड़ लेते हैं हमें सरदार मिल सकता है। बेहतर होगा कल आप सुबह 4:30 बजे रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है? समय क्या है? 2:30 बजे है। चलो। वो उसे कोड रेड कहते हैं, कोड रेड। उसने एक हैम्पर देने को कहा। हम सेंटा क्लॉज को एक पत्र भेजने जा रहे थे। सरदार कहाँ है? बांग्लादेश, चटगांव केंद्रीय कारागार। बांग्लादेश? क्या ये किला जेल है? क्या ये वो जेल है जो चल रहे दंगों के लिए चर्चा में थी? बिल्कुल। इनको काट डालो। बत्तीस साल तक वे उसे शिफ्ट करते रहे और आखिरकार वे उसे चटगांव जेल में बंद कर दिया। डी ब्लॉक में दंगों की चेतावनी। सीआरपी को सूचित करें, आपातकाल अभी अंदर आओ, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। डी ब्लॉक गेट खोलें। कदम पीछे खींचो, पीछे चलो, पीछे, इमरजेंसी लॉकडाउन है। चलो चलो चलो, हमें अभी बैकअप चाहिए। क्या आपके पास हथियार हैं? अरे, क्या आपके पास 1408 की चाबियां हैं? 1408 के अंदर कौन है? वो 32 साल जेल में रहने के बाद जंग खा चुका होगा। वो क्या करेगा? उसे देखकर कैदी डर जाएंगे। आप चाहते हैं एक अपराधी हमारी मदद करे? क्या इससे आपको जरा सी भी शर्म नहीं आएगी? हम यूनिफॉर्म ऑफिसर्स हैं। एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ। सरदार भारत द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा एजेंट है चट्टा। वो कोई जंग खाया हुआ हथियार नहीं है जिसके लिए तुम इसे खूंटे गाड़ते हो। वो एक परमाणु हथियार है। वो एक खतरनाक परमाणु वॉरहेड है।
कौन है ये? वो अज्ञात है मैडम, वो पिछले 32 साल से इसी जेल में बंद है, हम उसका मूल नाम भी नहीं जानते। वो 30 साल से भी ज्यादा इस जेल में है, पर क्यों आपको नहीं पता? नहीं मैडम, उसके पास 8 पासपोर्ट हैं, वो 24 भाषाएं बोल सकता था, हम उसे 600 बार पूछताछ कर लेते, हर बार एक नई भाषा और एक नई कहानी है, और लाई डिटेक्टर इसकी पुष्टि करता है। अगर वो एक स्टार से दरवाजा खोल सकता है तो वो कब का भाग चुका होता। सरदार जेल में बंद नहीं है, ये तपस्या है। वो अभी भी यहाँ क्यों है? क्या वो किसी चीज का इंतजार कर रहा है? यदि आप चाहते हैं कि सरदार जेल से बाहर आए, हमें केवल उसकी तपस्या में विघ्न डालने की आवश्यकता है। लाल अक्षर उस तक पहुंचे इतना ही काफी है। क्या आप जानते हैं कि यह राजा कौन है? वो मेरे पूर्वज है, मेरे दादा। वर्तमान में उसकी पहचान का कोई मूल्य नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि शक्ति भूमि को जीतने में निहित है। भूमि शक्ति नहीं है। जहां शक्ति निहित है वहां जल है। जिसने पानी को कंट्रोल कर लिया पूरी दुनिया पर राज करता है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया, ये पिछले 50 सालों का सपना है, और मैं अपने हाथों से इतिहास लिखने जा रहा हूं। इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये अचानक 32 सालों बाद कोड नेम सरदार फिर से कैसे आ गया? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सतह पर एक कॉकरोच पटक रहा है, तुमको उसे ढूंढ के कुचल डालना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो आदमी मंच पर होना चाहिए, मैं ऊपर चढ़कर पहरेदारी करूंगा। अरुंगम, पता लगाओ पिछली बार ये सिम कहां सक्रिय थे। ठीक है सर, मुझे पता लगाना होगा। विजी, हमने मृतक के पास से जो आईडी बरामद की है वो सभी फर्जी हैं। वो एक पूर्ण भूत है। सर कोई नाम या पता नहीं है, मुहर है, और ये अजीब मुहर है सर। ये कब आया? अभी भारतीय दूतावास को कॉल कर उन्हें कहो कि हमें कोड रेड मिला है। सर हमें बांग्लादेश से कोड रेड मिला है, किसी आईडी से नहीं, पोस्ट से।
1980 का पुराना प्रोटोकॉल है। मुझे बांग्लादेश की जेल से 50 साल से अधिक उम्र के कैदियों की सूची चाहिए अभी के अभी। आप एक अत्यधिक खतरनाक एजेंट के कब्जे में हैं। क्या वो लाल अक्षर से अवगत है? नो, वो नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे जांच करने और सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है। ये बात ध्यान रखो, उसे लाल अक्षर के बारे में पता नहीं होना चाहिए। ठीक है श्रीमान। सर, बांग्लादेश को कोड रेड मिला है, सदाचंद गांव जेल। मुझे मारने का आदेश दिया है क्या? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बुलाओ। यस, ये बांग्ला हाई कमान है। यस सर। मैं ये कह रहा था कि भारतीय शोध के प्रमुख। ओके सर। हमें पता चला कि सरदार तुम्हारी गिरफ्त में है। सरदार बहुत खतरनाक है, उसे ऑन द स्पॉट गोली मार दो। किसी भी प्रोटोकॉल को हाथ में लेने की जरूरत नहीं, बस किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि सरदार जैसा कोई व्यक्ति था। प्रोटोकॉल क्या था? टेक्निकली हमें रॉ एजेंट को उन्हें सौंप देना चाहिए। अधिकारियों में से एक ने मुझे सूचित किया है और दूसरे अधिकारी ने उसे मारने को कहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर। ये हमारा सिरदर्द नहीं है, हमें भारत सरकार को सौंप देना चाहिए। वही ठीक करे क्या करना है। बस तुम्हारी आज्ञा का पालन। कबीर, संभालो। सिम कार्ड का पता लगाया है। ये केवल एक स्थान दिखाता है, ऐसा लगता है कि ये एक जंगल है, लेकिन एक प्रत्यक्ष पेट्रोल बंक है। हमारे पास पिछले 32 सालों से उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। भारतीय एजेंट खुद को सुपर जासूस बनाने के लिए खुद एक छात्र एजेंट उठ के सामने देश ने उन्हें फांसी देने का आदेश दिया। प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है, उसे पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारने का आदेश है। मैंने बहुत से लोगों को मारा है, इस बूढ़े मूर्ख को मेरे हाथों ही मरना लिखा है। शायद कोई आखिरी इच्छा है क्या?
एजेंट सरदार, तो ये आखिरी शब्द कहने हैं क्या? आपको किसने प्रशिक्षित किया? क्या? मैंने पूछा कि तुम्हें किसने प्रशिक्षित किया है? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? मुझे लगता है कि बंद होने से आप पागल हो गए हैं। मरो धिक्कार है। इस तरह आप बिंदु रिक्त सीमा पर बंदूक की ओर इशारा करते हैं। क्या किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कि इशारा करने से आपको बचने का मौका मिल जाएगा? सरदार भाग गया। मैं लिखने जा रहा हूं। बड़ी बातों की शुरुआत छोटी से होती है, उसी गंभीर खतरे की शुरुआत थी। एक बूढ़ा चरवाहा और वह पत्थर लेकर आया। क्या है ये? पत्थर में काई नहीं होती। तो क्या हुआ? 3 दिन पहले सभी पत्थरों पर काई लग गई थी, अब नदी के पास के सभी पत्थरों पर काई नहीं है। बकरी भी पानी पीने से मना करती है। ये नदी कहां से आ रही है? महोदय, ये पाकिस्तान से है।
हमें पंजाब सीमा से एक सूचना मिली है। वे भारत पाकिस्तान सीमा पर वुलर झील को जहरीला बनाने की योजना बना रहे हैं। ये अपने आसपास के 4000 गांवों के लिए पानी पीने का एकमात्र स्रोत है। अगर ये झील जहरीली हो गई तो एक भी प्यासी आत्मा को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे सिपाहियों को भेजो और उसकी यही समस्या है सर। ये सरोवर तलहटी में है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान की सेना किस तरफ से हम पर हमला करेगी। अगर हम उन्हें ब्लाइंड भेज दें, पलक झपकते ही पूरी बटालियन का सफाया हो जाएगा। वो झील को जहरीला बना देंगे और पुफ, वो अपने रास्ते पे होंगे। तो आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? यहाँ एक बत्तख की तरह बैठ जाएं? हमें जवानों के आने से पहले हमें पाकिस्तानी सेना की कार्य योजना के बारे में पता होना चाहिए। जनरल यूसुफ पठानकोट सीमा से परे पाकिस्तान सेना शिविर में तैनात। जनरल यूसुफ पठानकोट सीमा। यूसुफ, आपको यकीन है? जनरल के तंबू के अंदर एक सील बंद लिफाफे में एक कमांडर लेटर होगा। हमें उस पत्र पर अपना हाथ रखने की जरूरत है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। यदि पत्र गुम हो जाता है या फिर सील खुल जाता है तो यूसुफ योजना बदल देगा। इसलिए पत्र जहां है वहीं रहना चाहिए, ना ही सील टूटनी चाहिए, साथ ही पत्र की सामग्री को पढ़ना चाहिए। महामहिम, ये एक असंभव मिशन जैसा लगता है। हमारे पास कोई एजेंट है जो ये कर सकता है? मेरे पास एक एजेंट है जो ये कर सकता है। भारतीय सेना ने हम पर हमला किया है, जल्दी करो, छोड़ो इसे। या अल्लाह, जल्दी करो, उसे उठाओ, जल्दी जल्दी स्ट्रेचर पे ला दो, शिविर उसे में ले जाओ, शिविर में लेकर जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, वाहन बाहर लाओ, जल्दी। अल्लाह, हे सब लोग बाहर निकलो, बचाओ, बाहर निकालो, जल्दी करो, बचाओ। इंजेक्शन कोई चिंता नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। अब सुनो श्रीमान जी। हाँ। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, उत्तरी प्रकाश पैदल सेना, सिंध रेजिमेंट, हम यहाँ हिंदुस्तानी फौज को घेरेंगे बुलर झील के पास, समझे? सात हिंदुस्तानी बटालियन हमारे जाल में फंस रही है, यह बदला लेने का हमारा मौका है। धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध के लिए, पाकिस्तान के लिए, जय पाकिस्तान, जय पाकिस्तान। ये हिंदुस्तान पर हमारा हमला नहीं है, उन्हें सिर्फ चोट देनी है, यह उनके जीवन भर में याद रहेगी। ये पल सिर्फ उनको चोट देने का है ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेगी। हिंदुस्तानियों को धुन से अंधा कर दिया जाएगा। हिंदुस्तानियों का बच्चा बच्चा हमारी इस लड़ाई को याद करेगा, ये हमारे लिए फायदे की बात होगी। ईमान, आस्था, तकवा, जिहाद, ईश्वर के मार्ग का पवित्र युद्ध, ये ऑपरेशन शुरू करने का समय आ चुका है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। ऑपरेशन शुरू करो फाल्कन। मेजर, ये सील टूटी हुई है, कोई हमारे बीच में घुस चुका है, ढूंढो उसे। मुझे एक रोल कॉल दें, एल1 क्या कोई नया शिविर में आया है? ये श्रीमान एक बूढ़ा आदमी। कहाँ? जला दो इस आदेश को, मैं नया आदेश जारी करूंगा।
ये वही था। मेजर के आदेश है कि बूढ़े आदमी को ढूंढा जाए जल्दी। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, उसकी उम्र 55 साल की होनी चाहिए। कोई आदमी हमारे कैंप में घुस आया है। और बताओ जी श्रीमान, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसके बाल। महोदय यही था ये? पक्का ये वही है? जी जनाब यकीन है मुझे, ये वही आदमी है। चला 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 चला। नए ऑर्डर के मुताबिक अभी बेस में शिफ्ट करो। चलते रहो। बाहर बाहर जल्दी करो, बाहर पान को बाहर बिठाए। चलो जल्दी करो। भारतीय सैनिकों ने पंजाब सीमा पार करने वाली पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया है। उनका प्लान फेल हुआ। अरे भाइयों, युद्ध से विजयी होकर आए हैं, उनका स्वागत करने के बजाय। उठो ना, उठो। मेरे पराक्रमी शेरों, घर में स्वागत है। क्या अच्छा लगता है? मुझसे शादी करेंगे? भाड़ में जा। ए, छोड़ो उसको, तुम इधर आओ, इधर आओ, बच्चों का स्वागत करो। अरे क्या यार, अरे आज दिवाली थोड़ी है यार, इसको बंद करो। क्या यार, मेरे पास आ बेटा, क्या चल रहा है? अरे जननी के पिताजी आओ खा लो। आ रहा हूँ मैं। कितने सैनिक थे वहाँ पर? हाँ पूछा तक नहीं, ठंड का मौसम था ना। हम 240 की टुकड़ी थे, एक पूरी बटालियन है। हमारे साथी सैनिकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोहरे की वजह से दुश्मन को देख नहीं पाए, नहीं पता था कि क्या करें। घने कोहरे के कारण हम वहीं पर खड़े रहे। सही समय पर हमारे जासूस ने हमें इशारा कर दिया था। महान, क्या उसने हमें सही समय पर इशारा नहीं किया? क्या ढेर मत लगा और इसे नीचे रख। हम मर जाते, भगवान बचाए। तो डाकियों ने क्यों नहीं जल्दी पहुंचाया? डाकिया वो एक जासूस था। बेकार चीज, उन्होंने सैनिकों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं उनकी सलामती की दुआ करता हूँ। अरे अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस सुई चुभी है। आप उसे शादी को करना चाहेंगे? दूसरी महिला के लिए स्कर्ट सिल रहा है। मैंने शादी तो कर ली। अरे ब्लडी थेस्पियन। अरे पापा इतना काफी है, आओ साथ में भोजन कर लो, उसके लिए भी पता रखो। क्या बच्चों ने खाया? हाँ उन्होंने खा लिया। पहले तुम खाओ। हाँ माँ, मानो ये युद्ध का घाव हो, ये एकमात्र तरीका है जिससे आप खून देखेंगे। आप क्या कह रहे हो, आपके पिता भी तो थेसिपियन थे, मैं भी तो आपके बाप जैसा हूँ। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रदर्शन किया, अपने भद्दे खेल की तुलना अपने नेक प्रयासों से ना करो। बॉस आपको एक टमटम मिला न, टायर की दुकान पर आपके लिए एक एजेंट का फोन आया। रुको मैं आ रहा हूँ। अरे बिना खाए मत जाओ। यदि आप सेना में शामिल होने के लिए इतने उत्सुक होते हो तो बहुत अच्छा होता। मैंने तो उसे मौका दिया था, अब उन्होंने निकाल दिया तो मैं क्या। मानो भारतीय सेना ने आपको विफल करने की साजिश रची हो, है ना, यही बात है। बॉस आप सभी चयन श्रेणियों में अव्वल रहे, लेकिन हमने आपको जानबूझकर विफल कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाइयों की तरह मेडल जीतते, है ना? खुफिया अधिकारी मेडल के लिए काम नहीं करते। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद भी कोई परेड या प्रशंसा नहीं, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपकी। हर शहर में एक अभिनेता हो सकता है, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर मिलना मुश्किल है। हर शहर में एक सैनिक अधिकारी हो सकता है, लेकिन सच्चा कलाकार मिलना मुश्किल है। जिस तरह आपके दादाजी ने देश के लिए भूमिकाएं निभाई, तुमको भी बहुत पार्ट बजाना चाहिए। आपसे तेरी पहचान बॉस नहीं, आपको एक कोड नेम सौंपा गया है, सरदार। मैंने कहा था कि कम उम्र के लड़कों को काम पे मत रखो। बॉस बॉस एजेंट आपको 5 मिनट में कॉल करेगा, ठीक है? ठीक है, मैं एजेंट से बात करूंगी। हर बार तुम अपने प्रदर्शन के लिए अलग अलग जगह जाते हो, मुझे भी जाना है, और मैं जाना चाहूँ तो तुम बात भी नहीं करते। सच बताओ तुम्हारा कोई अफेयर है क्या?
हाँ एक है वहाँ पर लड़की, कहो तो बात करवाऊँ, रोज रोज दिमाग आती रहती है। मुझे बता एजेंट। मुझे मिशन की डिब्रीफ करने की जरूरत है, बताओ मुझे एजेंट हम क्या करें? आवर्ती संख्या नोट करें। प्लीज फोन मत काटिए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या तू चुप नहीं रह सकती? हाँ हाँ बोलो। हेलो 85600 मेगाहर्ट्ज। सच बताओ ये कोई मिलिट्री सीक्रेट है? हेलो एजेंट। हेलो सरदार। तू चुप नहीं रह सकती? क्या दोबारा कहना पड़ेगा? अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ मैं फोन रखता हूँ। अरे ये क्या आवाज थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है क्या? जाने दो। फ्रीक्वेंसी नंबर। सरदार क्या तुम बकरी काटने जा रहे हो? कुछ नहीं बाबू, ये घायल बकरी है, मैंने सोचा साथ ले चलूं। पाकिस्तान ने झील में जहर घोलने की कोशिश क्यों की पता चला? मुझे पता है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जब मैं वहां पर था तो जनरल यूसुफ की मेज पर मैंने एक ड्रैगन चेन वाली एक फाइल देखी, उसे मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद ही वो पाकिस्तान का मिशन शुरू हुआ था, लेकिन वो सब कुछ चीनी भाषा में लिखा हुआ था। वो बुक चीन की थी। चाइना, पाकिस्तान और चीन के बीच में कुछ चल रहा है, उसमें काफी बार लाफिंग बुद्धा के बारे में लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें भी इसकी जांच करनी चाहिए, हम इसका पर्दाफाश कर सकते हैं। नहीं, रिपोर्ट में चीन के बारे में कुछ भी जिक्र मत करना, अभी के लिए इसे पाकिस्तान के रूप में रिपोर्ट करो। सर हम झूठ क्यों बोले, हमारे पास तो सच है ना? सरदार सच्चाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं आप, सत्य की विजय होती है, वो वहाँ का सबसे बड़ा झूठ है। 1974 में तुर्कमेनिस्तान भारत सीमा पर 3 टन प्लूटोनियम ले जा रहा एक रूसी ट्रक पलट गया था। प्लूटोनियम, इसका इस्तेमाल तो खतरनाक परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। हाँ, जैसे ही ट्रक भारत के हाथ लगा, दुनिया का मानना था कि भारत के पास प्लूटोनियम है। ये झूठ है, ट्रक में प्लूटोनियम नहीं था, लेकिन सोडियम। भारत को मानने वाले दुश्मन देशों को प्लूटोनियम मिल गया, भारत से सुरक्षित दूरी बनाए रखी, वो झूठ की ताकत है। चीनियों को यह धारणा बना लेनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान पर शक है, हम चीन की जानकारी के बिना जांच करेंगे, हम इसे कैसे करेंगे? चीनी तिलचट्टा। तिलचट्टा वो एकमात्र एजेंट है जो चीन में घुसपैठ कर खुफिया जानकारी निकाल सकता है। आखिरी बार उन्हें अरुणाचल प्रदेश के काहू गांव में देखा गया था। जाओ उनसे मिलो, आपको इस मिशन के लिए एक लीड मिलेगी। बैठ जाओ। हे चाय जल्दी लाओ, जल्दी करो। सरदार कृपया से नीचे रखें तो, मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ जिन्हें शीर्ष थिंक टैंक एक गुप्त मिशन में व्यस्त थे। मिशन का नाम है वन नेशन वन पाइपलाइन। जानकारी निकालने के लिए मैंने कैटन वॉल्ट से ये ब्लूप्रिंट चुराया था। देखिए कैटन वॉल्ट, कॉकरोच कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी। इसे देखो तो जरा। क्या तुम इस किताब में से कुछ समझ सकते हो? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, खाका सब खत्म हो गया है। पाइपलाइन सड़क और चीन का कोई संबंध है ही नहीं, चीन में इस तरह की पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती। तभी मुझे आपकी खुफिया रिपोर्ट मिली। वो ब्लूप्रिंट जो चीन के नक्शे पर समझ नहीं आया, अब इसे भारत के नक्शे पर रखते हैं। इसने सभी बिंदुओं को जोड़ा। ये गैस पाइपलाइन नहीं है, तेल पाइपलाइन नहीं, पानी की पाइपलाइन। ये योजना चीन के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए थी, भारत के लिए। ये नामुमकिन है सर, ऐसा नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन टेरिपिथालेट, लोग इसे संक्षिप्त रूप में PET कहते हैं। इसके साथ क्या कर सकते हैं? आपने ही पाकिस्तान को वुलर झील में जहर मिलाने से रोका था ना? जी सर। चीनी जानते थे कि आप उन्हें रोक देंगे, उनका मत था कि जल में विष ना मिलाएं। जहर मिलाने के बहाने लोगों में खौफ पैदा किया। चीन ने सुनिश्चित किया कि खबर आसपास के 4000 गांव में फैल जाए। इसके बाद क्या आपको लगता है कि लोग उस पानी का इस्तेमाल करेंगे? वो नहीं करेंगे। 2 वर्ष पहले उन्होंने कलकत्ता में प्लास्टिक की बोतलों के कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस जारी किए। वुलर झील के पास फैक्ट्रियां बनेंगी। पानी का इस्तेमाल करने से लोग डरते थे,
कंपनियां उसी पानी को प्लास्टिक की बोतलों में भरकर जनता को बेचती थी और जनता खरीदती है। सर, हम पानी की कीमत नहीं लगा सकते। इसमें कहा गया कि सत्य की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पालना कोई नहीं करता। आज भी पानी की कोई कीमत नहीं है। मूल्य टैग प्लास्टिक की बोतल, लेबल और टोपी के लिए होता है। वो बोतल की कीमत के बहाने पानी की कीमत लगाते हैं। चीन हमारे देश में कैसे कर सकता है? जल वो महाशक्ति देता है। चीनी बहुत अच्छी तरह से जानते थे तीसरे विश्व युद्ध के बारे में। उन्होंने जल संसाधन लाने के लिए जमीनी कार्य शुरू किया। दुनिया भर में उनके नियंत्रण में अब उनका ध्यान पानी, जो एक प्राकृतिक संसाधन हुआ करता था, एक उत्पाद में बदल गया है। अब आप पानी खरीद सकते हैं। आप खरीद सकते हैं तो बेच भी सकते हैं। यदि आप बेच सकते हैं तो आप नियंत्रित कर सकते हैं। धीरे धीरे वो पानी के लिए भुगतान करने की आदत डालेंगे। धीरे धीरे सब होगा। योजना जो एक बोतल से शुरू होती है, बोतल से शुरू होकर पाइपलाइन के रूप में समाप्त हो जाएगी। पाइपलाइन का उपयोग करके चीन नियंत्रित कर लेगा भारत को। फिर चीनी भारत में ऐसे कैसे कर सकते हैं? सत्ता के भारतीय चक्र से एक शीर्ष अधिकारी, भारतीय शक्ति मंडल एक शीर्ष अधिकारी चीन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने उसे एक नाम दिया है, लाफिंग बुद्धा। धमाका करें, आपको पता चलेगा कि लाफिंग बुद्धा कौन है। अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तभी हम चीनियों को रोक सकते हैं। सरदार कौली महारानी, मैं कॉकरोच से मिला। ये एक पाकिस्तान और चाइना की एक साजिश है। चीन ने एक बड़ी साजिश रची है जिसका नाम है लाफिंग बुद्धा। जल्दी से उसको ढूंढो, दुश्मन को आसानी से ढूंढा जा सकता है। आज से ही उसको ढूंढना शुरू करो। आप अपनी जांच जारी रखिए और मैं अपना काम करूंगा। बात पूरी हुई? ठीक है सर, ओवर एंड आउट। तुम एक आतंकवादी हो? तो तुम्हें पता चल गया, जाओ तुम सो जाओ। मुझे सब पता है। अपने पिता को चोट पहुंचाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो, चले जाओ। वो अपने देश से प्यार करता है, अगर वो जानेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। सुनो, मैं उन्हें बताऊंगी। तुम क्या कर रही हो? क्या करोगे तुम? मैं सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। hey, अपना मुंह बंद रख, मैं तेरा गला दबा दूंगा। चलो मुझे मार डालो। जब तुम अपने बाप को मार सकते हो तो तुम मुझे भी मार सकते हो। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता, समझी? कैसे विश्वास करूं? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या मुझे करना चाहिए? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरे पति हो या फिर शादी करने का प्लान है? अभी सोचा ही नहीं। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। बड़े होते होते पूरे शहर ने कहा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम भी मुझसे प्यार करते थे, अचानक 3 साल पहले तुम बदल कैसे गए? तुम मेरे लिए मतलबी होने लगे और दूर हो गए, झूठ भी बोलने लगे। मुझे ऐसा लगता है हमेशा झूठ बोलते हो। मैं सच बोल रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पसंद करते हो या नहीं, मैं बस यही सुनना चाहूंगी। मुझे आप पसंद हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इसमें तुम्हारा ही भला है, मेरी नौकरी ऐसी है। तुम मर जाओगे इसलिए? तुम्हारी भाभियों का क्या? क्या वो अपनी फौजी पतियों के साथ वहां नहीं रहती? अगर मैं देश के लिए मर जाता हूँ तो पूरे देश को मुझ पर गर्व होगा, देश पर कुर्बान हो जाते हैं। तुम मेरी बात समझो, इसी में ही भला है, समझी? राष्ट्र कहता है कि आपका भाई शायद वापस न लौटे, लेकिन कोई कहने वाला नहीं होगा कि तुम वापस नहीं आओगे। मैं इसी उम्मीद के साथ जी लूंगी कि तुम एक दिन वापस आओगे। मुझे बस इतना ही चाहिए। तुम तो सच में पागल निकली। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुमसे झूठ बोलूं? आगे से तुम ऐसा सवाल मत करना। अपने पिता को कहो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। भास्कर उपग्रह द्वारा एकत्र किए गए हाइड्रोलॉजिकल डेटा छवियां हैं। इस डेटा को देखने का अधिकार किसके पास है? केवल रक्षा विभाग के उच्च स्तरीय निकासी। लेफ्टिनेंट, मैं तुमसे थोड़ी देर में नीचे मिलता हूँ। ओके सर। मुझे पता है कि आप एक व्यक्ति की जांच कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस जांच को रोक दें, लाफिंग बुद्धा के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं आशा करता हूं कि तुम्हें समझ में आ गया है। इन सभी वर्षों में आपका परिवार राजघरानों के रूप में रहा है, लेकिन अब आप सरकार से पेंशन लेते हैं। मैं तुम्हें राजा के रूप में विराजमान करूंगा। 5 करोड़।
महामहिम आपके चुप्पे ही सब कुछ कह रही है। मुझे लगता है कि आप सही निर्णय लेंगे। महाराज, महाराज, सरदार इज स्पीकिंग सर। महामहिम बोल रहा हूँ सरदार। सर, मुझे पता चल गया कि लाफिंग बुद्धा कौन है। क्या, फिर से बोलो। भारत का सुरक्षा सलाहकार पीके अब्राहम। सरदार, तुम्हारे पास क्या सबूत है? चीनियों ने पाइपलाइन कैसे बिछाना है उसका मुझे मैप मिल गया सर। ये सब पीके अब्राहम ने साइन करके उनको दे दिया सर। कलकत्ता सम्मेलन के दौरान पीके अब्राहम ने प्लास्टिक बोतल कारखानों के लिए अपनी अनुमति दे दी। कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली, मैंने उन्हें चीनी अधिकारियों से मिलते हुए देखा सर। मुझे यकीन है कि लाफिंग बुद्धा ही पीके अब्राहम है। सरदार, आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर आरोप लगा रहे हैं। वो एक उत्साही देशभक्त है। उन्हें अपने आदर्शों को छोड़कर चीन के लिए काम क्यों करना चाहिए? भारत में एक व्यक्ति को रोजाना कम से कम 5 लीटर पानी की जरूरत होती है सर। यदि आप इसकी कीमत पता करें, हमारे देश की जनसंख्या के साथ ये कोई छोटा व्यवसाय नहीं है, ये 10 ट्रिलियन का व्यवसाय है। कितना कहा सरदार? 10 खरब। हमें उसे पकड़ना है सर। सरदार, आपको समझ में नहीं आ रहा। सबूत चाहे जो भी हो, चिटा लो, आखिर में फाइल उसके टेबल पर ही आएगी। उसके हस्ताक्षर ही उस फाइल को एक खुफिया रिपोर्ट में बदल देंगे। ये चीन के लिए काम करता है सर। हर मिनट वे सप्ताह में हम खतरे में सर। सरदार, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तुम्हें समझना होगा, वो सत्ता के घेरे के केंद्र में है। वो अछूत है। ऐसा नहीं कि हम उसे मार सकते हैं। हमें उसे खत्म करना होगा सर। ये मैं करूंगा। सरदार, क्या आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हत्या का परिणाम जानते हैं। मुझे पता है सर, मुझे देशद्रोही कहा जाएगा। मैं भारत में पैर नहीं रख सकता। सरकार मुझे छोड़ देगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे देश का भविष्य, मैं अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं सर। मेरा भी एक बच्चा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में ऐसा हो कि हर बच्चे को पानी पीने के लिए भुगतान करना पड़े। ठीक है सरदार, आपने जो सबूत इकट्ठा किए हैं उनका बैकअप कहां पर है? वो मेरे घर पर पड़ा है सर। ठीक है सरदार, ये एक अनौपचारिक मिशन है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इब्राहिम बांग्लादेश में है, तुम आगे बढ़ो और उसकी हत्या करो। बॉस, कहाँ जा रहे हो? वो मुर्गे के दीमक पकड़ने के लिए। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दूंगा। बाद में मैं कोड रेड भेजूंगा और तुम्हें वापस लाऊंगा। मैं तब तक नहीं लौटूंगा सर, जब तक ये साबित नहीं कर देता कि अब्राहम देशद्रोही है। जय हिंद, जय हिंद। अब्राहम बोल रहा हूं। आप बेनकाब हो गए हैं मिस्टर अब्राहम। क्या? सरदार तुम्हारे लिए आ रहा है। सर, आप कहां जा रहे हैं इवेंट हॉल के लिए? मैंने उसे सटीक लोकेशन दे दी है। मैं जानता हूं तुम्हें पैसा चाहिए। कितना चाहिए? इस तो मैं सिर्फ यही समझ पाया हूं कि आप मुझे खरबों के कारोबार के लिए लाखों में खरीद रहे थे। अब मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मैं पूरा चाहता हूं। आप अपने केन से परे ताकतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपके केन से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन आप सरदार को नहीं जानते। वह किसी चीज के लिए नहीं रुकेगा।
तब तक नहीं जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता। वैसे भी ये आपका ही विचार था, मैं आपको वापस नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपके मृत्यु से पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गार्ड, गार्ड। सरदार इज कॉलिंग, सरदार इज कॉलिंग। महाराज, मुझे बताओ सरदार। सर, लफिंग बुद्धा मेरे कब्जे में है। मिशन समाप्त होने वाला है सर। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज मेरे पापा को बता देना सर, सब कुछ सच। पूरी दुनिया मुझे देशद्रोही कहेगी। मेरे पिताजी सहन नहीं कर सकेंगे सर। आप उनको सच बता देना सर, वो भी एक फौजी थे, वो समझ जाएंगे सर। जरूर सरदार। ये लोग तुम्हारे पिता पहले से ही जानते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। ये हमारे देश के लिए एक काला दिन है। हमारे देश ने हमें क्या दिया, अपनी कीमत का नाम। मेरे द्वारा बनाए गए एजेंट ने मुझे धोखा दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आज रगे हाथों पकड़ा गया। मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ समझे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। एजेंट सरदार गद्दार हो गया है। अब अपने हथियार गिरा दो, ये बांग्लादेशी तट रक्षक है। अरे 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 अरे, हे भगवान, वो ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ। हे भगवान, हमें तो शर्म से मर जाना चाहिए, हम कहां मुंह दिखाएंगे। राठौड़ ने सारे के सारे सबूतों को नष्ट कर दिया और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मैं सरकार द्वारा मुझे दी गई सभी शक्तियों और प्राधिकारों से इस्तीफा देता हूं। अगले दिन वो बदल गया बिल्कुल ही एकदम से, चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। उनके झूठ ने सरदार के परिवार को मौत के घाट उतार दिया। सरदार सच्चाई से अनजान भूमिगत होने के लिए बांग्लादेशी तट रक्षक द्वारा जानबूझकर पकड़ा गया। उसके पास बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं। अरे बताओ कौन हो तुम, हाँ? और जेल में बंद है वो। लेकिन मैं जानता हूं कि अंत नहीं था। एक दिन सरदार जरूर लौटेगा। डेड रोप जोन के लिए जाना जाता है वो। मैंने सच्चाई वहीं पर छुपा रखी है, वहीं पर। उन्हें राठौड़ के झूठ पर विश्वास था और सब कुछ खो दिया। वर्तमान में सरदार को देशद्रोही करार दिया गया है। मुरुगा। सभी बाधाओं के बावजूद प्रत्येक जासूस के पास एकत्र किए गए सबूतों की एक छिपी प्रति छोटा भाई कहां रखा है ये तो सरदार ही जानते हैं। बस छोटे भाई का उपयोग करना क्या हम समाप्त कर सकते हैं क्या? ये काफी है कि हम सरदार को अवगत करा दें। उसे पता होना चाहिए इसका, क्योंकि एक बार एक जासूस हमेशा के लिए जासूस।
ये भारतीय सेना की सबसे बड़ी जब्ती तिजोरी है। सरदार से जो चीजें हमने सबसे आखिर में बरामद की थी वो इस तिजोरी में बंद है। वास्तव में आप क्या ढूंढ रहे हैं? एक सुराग के लिए कोई लोकेशन? डेड ड्रॉप जोन में सरदार जरूर पहुंच गए होंगे। आइए उस स्थान से संबंधित कोई विवरण या दस्तावेज देखें। विजय, ये सरदार कौन है जिसे आपने जांच करने के लिए कहा था? उनका नाम लोगों को कंपा रहा है। वो किसी लाल अक्षर की बात कर रहे हैं। माँ ने मुझसे वादा किया था। मुझे लगता है कि ये बहुत पेचीदा मामला है। अरे कुछ तो बोलो यार। विजय, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? सरदार का श्रृंगार का डब्बा, मैदान का चश्मा, रेडियो, बस इतना ही हमारे पास है। मुझे सरदार के बैच के साथियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करनी है, और सबसे जरूरी बात कि मुझे सरदार के जासूस राठौर से भी पूछताछ करनी है। बस आज्ञा का पालन करो चंद्रमोहन, सरदार को मार डालो और फाइल बंद कर दो। सर, हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हैं, हम शोध या विश्लेषण नहीं कर सकते सर। फिर हम क्या हैं सर? राठौर के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या तुम स्थिति को समझते हो जो रखता है? वो सरकार का खूनी सलाहकार है, तुम उसे कैसे पूछताछ कर सकते हो? सर, मैं उसे प्रश्न करूंगा और वह उत्तर देगा। लाइट डिटेक्टर से उसके जवाबों की पुष्टि करेगा, बस यही। क्या ऐसा है? तुम अपने सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। आप प्रोटोकॉल्स का पालन करें सर। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरदार है, 1982 बैच, फील्ड ऑपरेशंस R&AW। दुनिया मुझे देशद्रोही कहती है, सच कहूं तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप मुझे सवाल कर सकते हैं, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन आप सच नहीं खोज सकते। मैं सरदार का जासूस मास्टर, मेरी सहायता के बिना तुम उसे पकड़ नहीं सकते। सब लोग काम पर लग जाओ। सरदार अपने दम पर नहीं भागा, किसी ने उसे जेल से छूटने के लिए उकसाया था। सरदार को पकड़ना है तो हमें लाल पत्र पोस्ट करने वाले व्यक्ति को पकड़ना होगा। स्रोत खोजो। अंकल, गाड़ी स्टार्ट करो, कहाँ जाना है बाद में समझाऊंगा। टीमी का अभिभावक नाम विक्टर है, पता है? कैथरी को बुलाओ और पता लगाओ कि किसने टीमी को विक्टर पर गिराया। मुझे विक्टर का पता चाहिए। चाचा, पवार स्वामी से मिले। 32 साल तक उन्होंने उसे निगरानी में रखा। पशिल के रूम के बजाय उन्होंने उसे अपने घर में पाला। मैंने सोचा था कि प्रेम कर्तव्य पर ग्रहण लगेगा, लेकिन बुरा नहीं, उन्होंने अपना काम कर दिया सर। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? अंदर जाओ। सर, विजय प्रकाश विक्टर के बारे में बोल रहे थे। विक्टर टिम्मी का संरक्षक है, अगर हम विक्टर को पकड़ लेते हैं तो हम सरदार को पकड़ सकते हैं। विक्टर, यदि रोने विक्टर नाम के किसी व्यक्ति को सूचीबद्ध किया है तो रिकॉर्ड में जांच करें। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा। 1990 से पहले रॉ से रिटायर हुए एजेंट अपनी पहचान बदल लेते हैं। रॉ के पास उन एजेंटों का कोई फोटोग्राफिक रिकॉर्ड भी नहीं, इकलौता रिकॉर्ड उनका फिंगरप्रिंट। हम जान जाएंगे वो रॉ के लिए काम करता था अगर विक्टर अपने प्रिंट को मान्य करता है। विक्टर को तुरंत सुरक्षित करें, पता करें कि क्या वो एजेंट है। लड़के का अभिभावक कैसा दिखता था? एक सेकंड सर, ये व्हीलचेयर पर एक बूढ़ा आदमी। विक्टर सर, सबसे अच्छा मैं आपको 2 घंटे दे सकता हूं, इससे पहले कि हम समय से बाहर भागें। अपने पिता को लाओ और उन्हें आत्मसमर्पण कराओ, केवल मेरी आंखों के लिए, समझ रहे हो ना? सर, विक्टर सर, विक्टर
सर मुझ पर विश्वास करो सर, इस फाइल में मेरे पिताजी के बारे में सारी सच्चाई है सर। मैं जानता हूँ लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। विक्टर सर, हमने सुरक्षित कर लिया। विक्टर मैं दोहराता हूँ, हमने सुरक्षित कर लिया। क्या ले आ रहा है वो? विक्टर को ग्राउंड फ्लोर पे ले आए। प्रेमनाथ उसे ऊपर की मंजिल पर लेकर आओ। सर मुझे विक्टर के साथ 5 मिनट दीजिए ना, मैं पता लगा लूंगा सर मेरे पिताजी। 5 मिनट सर, मैं तुम्हें 3 मिनट दूंगा। उठाओ उठाओ उठाओ। बायोमेट्रिक तैयार है सर, ओवर। बायोमेट्रिक रूम आ रहा है सर। फिंगरप्रिंट नहीं लगता है, ये यहाँ का एक अधिकारी है, इसका फिंगरप्रिंट। चेटा चेटा बॉस, चीन की योजना सफल होने जा रही है, आपको इसे होने से रोकना होगा। सर सर तिजोरी में रखा हुआ सामान बहुत ही खतरनाक है सर, इसमें 1960 के विस्फोटक और हथियार हैं सर, हमें नहीं पता सर वो क्या करने वाला है, वो बड़ा खतरनाक है सर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बैकअप भेजिए सर, जल्दी से। फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट तो बिजली काट दो। हम आपको ढूंढते रहे, उसकी मां ने तुम्हें बाहर निकालने के लिए अपने प्राण दिए सरदार, अब सब आपके हाथ में है। उन्होंने मेरा सामान कहां पर छिपाया है? यहां रॉ दक्षिण भारतीय मुख्यालय में है, तब जी तिजोरी में तीसरे रैक पर। तिजोरी खोलो तेज तेज। 1343 पार्टनर, तो क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? ये पुरानी तकनीक है सर, हम तिजोरी के अंदर है सर। वो चश्मे के रूप में क्या पहन रहे हैं? नाइट विजन पार्टनर, मैंने वीडियो गेम में देखा था, इसे पहनने से अंधेरे में भी देख सकते हो।
जी को कॉल करो। अरे जी को आने में 15 मिनट लगेंगे सर, लेकिन इनकार से पहले वो भाग जाएगा। मैं उसे रोकूंगा। चिंता न करो, वो अभी अभी गुजरा, वो थोड़ी देर में जाग जाएगा। पार्टनर, ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहे सरदार साहब। सरदार, सरदार मुझे विश्वास है कि छोटा भाई है तो माइक्रोफिल्म सभी सबूत रखती है। दुनिया के लिए तुम एक गद्दार हो, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा सरदार, भले ही आप अपनी आवाज के शीर्ष पर चिल्लाए। हम इन सभी वर्षों में मैं इस सरकार का सलाहकार रहा हूँ और कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं को पूरा किया। अगर तुम जाओ और लोगों को बताओ कि मैं एक एजेंट हूँ, कोई यहाँ पर विश्वास नहीं करेगा। आप एक असहज सत्य हैं, मैं एक सुविधाजनक झूठ। आपने एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को चुना है और उसे देश की सेवा करने और अच्छा करने के लिए एक एजेंट बना दिया। मैंने अपने पूरे परिवार से झूठ बोला हमेशा। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिनसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला कभी। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया सरदार, तुमने मेरे झूठ पर भरोसा किया। मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ, आइए देखें इसमें आप क्या मानते हैं। मैं आपके घर ये बताने के लिए गया था। सर मुझे विश्वास है आप मेरे पति को वापस लाएंगे। प्लीज सर उन्हें रेड लेटर भेजिए और उन्हें वापस ले आइए। आप लाल अक्षर के बारे में कैसे जानते हैं? कभी नहीं बताया, मैंने तुम दोनों को रेडियो पर सुना था। ये मेरे देश के भविष्य की बात है, अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरी बात चेत, हमारा परिवार शर्म से मर जाएगा। आप इसकी चिंता ना करें, मैं नहीं संभाल लूंगी। सर मेरी एक विनती है आपसे, कृपया मेरे पिता को सच बताओ एकदम। दुनिया मुझे देशद्रोही कहेगी, मेरे पिता इसे सहन नहीं कर सकते। मैं उसे बता दूंगा सरदार, ये लोग ही तुम्हारे पिता पहले से ही जानते हैं। मैं उन्हें सूचित करता हूँ। जय हिंद। एजेंट का मूल नियम क्या है? जब दो लोग बात कर रहे हो, एजेंट को यह देखना चाहिए कि कोई छिपकर बातें सुन रहा है। तुम बहुत बहुत बुरे एजेंट हो। देशभक्त परिवार ने आत्महत्या का रिपोर्ट दर्ज कराया है। परिवार ने की आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज। सर 6 साल के लड़के का क्या? नहीं, हमें परिवार के कम से कम एक जीवित सदस्य की जरूरत है, दुनिया को याद दिलाने के लिए कि सरदार देशद्रोही है। लड़के को रहने दो। सावधान होते तो आपका परिवार जीवित रहता। सरदार शायद तुम मुझे मारना चाहोगे। उस समय जब आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ एक विचार था। अब यह जीवन भर से भी बड़ा साम्राज्य है। आपके पास जीने के लिए कुछ नहीं। सच है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे मिशन को छोड़कर मैं यहाँ छोटे भाई के लिए नहीं हूँ। सच्चाई का खुलासा करने या तुमसे बदला लेने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मत बोलो कि मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए नियुक्त किया है। आप केवल रेडियो के पीछे बैठे आदेशों को भौंकना जानते हैं। लेकिन तूने मैदान पर पैर नहीं रखा, तुम्हें सिर्फ मिशन देना आता है और मुझे मिशन पूरा करना आता है। रोक और अपनी बर्बादी का मंजर जरूर देख। पापा,
सर वो लेवल 7 में चला गया। सर लेवल 7 में चला गया वो। टीम को लेवल 7 पर भेजो। ब्लॉक लेवल 7। चलो 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 सर मैं लेवल 7 पर आ गया हूँ। मैं लेवल 7 पर हूँ। वो लेवल 7 से प्लूटोनियम ट्रक में चला गया। अरे नहीं 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 ऐसे नहीं। इंस्पेक्टर विजय प्रकाश फरार हो गया है। क्या कोई कॉरिडोर 7 पर है? कॉरिडोर 7 वाले जवाब दें। यहाँ कोई नहीं है साहब। ऑल क्लियर। हे विजय। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करता तो वो लोग मुझे मार देते। मुझे पता है चाचा। सर ट्रक का पीछा करते हुए क्या मैं आग लगा दूं? आग मत लगाओ। आग नहीं ट्रक में प्लूटोनियम होता अगर है। अगर ट्रक को कुछ हुआ तो पूरे शहर में हफरा थफरी मच जाएगी। चंद्रमोहन उस ट्रक में प्लूटोनियम नहीं है, बस इसे विस्फोट कर दो। माफ करना सर। सरदार गाड़ी को रोको, वाहन रोको अभी के अभी। मुझे आप आदेश नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ गाड़ी को रोको। ओ शिट हटो। बेवकूफ, रॉब कोई मदद नहीं करेगी। ट्रक में प्लूटोनियम नहीं है। लगता है बेवकूफों को समझ नहीं आ रहा है। ट्रक के अंदर प्लूटोनियम नहीं था लेकिन सोडियम। सरदार भी जानता है। मुझे पता है उसकी योजना क्या थी। सर सोडियम सिर्फ एक नमक है। मूर्ख, वो सोडियम क्लोराइड है। क्या आप जानते हैं सोडियम धातु जल में मिल जाए तो क्या होगा? ये परमाणु बम की तरह फटेगा। इतना बड़ा धमाका, पार्टनर क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं? सरदार दशहरा हिल्स में पाइपलाइन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि वो साइड पर सोडियम डंप करता है ये हमारी पाइपलाइन परियोजना को नष्ट कर देगा। माइक्रोफिल माय फादर शालिनी के पास वो सारी जानकारी है जिसकी हमें जरूरत थी। हाथ लग जाए तो काफी है। इसे साबित हो जाएगा कि राठौड़ देशद्रोही है और मेरे पिता नहीं है। नहीं विजय, तुम माइक्रोफोन से कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। राठौर ने खुद को एस्टैब्लिश किया हुआ है, वो फेस सुनना मुश्किल होगा। विजय, मुख्य धारा की मीडिया से कोई भी इस खबर को प्रकाशित नहीं करेगा। बढ़िया हमारे अखबार की सुर्खियां। तीन राज्यों के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। हमें मीडिया पर निर्भर क्यों रहना चाहिए? आइए इसे वायरल करते हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम को इकट्ठा करो, मुझे माइक्रोफिल्म मिलेगी। इसके लिए पहले तुम्हारे पिता को ढूंढना होगा। रॉ और सीबीआई उसकी तलाश कर रही है, तुम उसे कैसे खोजोगे? क्या आपके पास अभी भी समीरा की घड़ी है? ये टिमी का स्थान दिखाएगा, मेरे साथ साझा करो। क्या आप नहीं देख पा रहे पार्टनर? मुझे दो। इसे देखने के लिए लाइट चालू करें। जांचे कि क्या इसमें कोई खाका है। यहाँ कुछ ड्राइंग जैसा दिख रहा है। एक बड़े वृत्त के लिए जांच करें। कुछ चाइनीज जैसे लिखा हुआ है। आप इसके आगे कौन सी संख्या देखते हैं? 3 लिखा हुआ है पार्टनर। हमें वहाँ जाना है, इसे वापस रखो। पार्टनर आपके पास इतनी सारी टेबलेट्स क्यों है? रोज लेनी पड़ती है पार्टनर। अगर मैं ना लूं तो सोते वक्त सांस की प्रॉब्लम होती है। मैं आपके हालात के कारणों में से एक हूँ, क्या तुम मुझे माफ करोगे? अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। वो इस बेस पर सोडियम का पानी में डंप करने जा रहा है और इस कारखाने के केंद्रीय पाइपलाइन में विस्फोट करेगा। ट्रक को मेन गेट से आगे मत बढ़ने दो। आधार में विस्फोट हुआ तो पाइपलाइन को नष्ट कर देगा जहां हमने आधार बिछाया था। पाइपलाइनर वन इंडिया वन पाइपलाइन को नष्ट कर देगा। मुझे गेट 3 का सीसीटीवी दिखाओ। हम क्या करने जा रहे हैं पार्टनर? हम वो पाइपलाइन ढूंढने जा रहे हैं और उसको ब्लास्ट कर देंगे। वो हैच की ओर जा रहा है। हैच को हर कीमत पर सुरक्षित रखो। महोदय को धीमा नहीं लग रहा है। वो वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करने जा रहा है।
अगर आप इस लीवर को खोलेंगे तो ट्रक पानी में गिर जाएगा। उसे लीवर के पास नहीं आना चाहिए। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम यहीं रहना। ओके। मुझे पता है तुम बहादुर हो। मेरे आने से पहले अगर हैच खुल गया, क्या तुम्हें वो लाल बोर्ड दिख रहा है? उसके आगे जाकर खड़े हो जाओ। क्या? जब वो ब्लास्ट होगा तो अगर तुम वहाँ पर खड़े होगे तो ब्लास्ट का तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। क्या होगा अगर तुम्हारे आने से पहले फट जाए? यानी मैं वापस नहीं आऊँगा। पार्टनर, मेरे अलावा तुम्हारा नेविगेट कौन करेगा? ये लो, इसमें कॉम्पस है, ये मदद करेगी। सरदार, मैंने तुम्हें प्रशिक्षित किया था। तुम मुझे हैरान नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें हैरान कर दूंगा। यो पर दुआ ही दुआ है। भाप से ढके हुए हैं। दूसरे से समझौता किया, हम कुछ भी नहीं पा रहे। तो धुंधला है, हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। सरदार पर नकारात्मक है, सरदार आते हैं, सरदार पर दूसरी नकारात्मक। हमें कोई जवाब नहीं मिला कि वो वहाँ है। हम इसे भाप में कुछ नहीं देख सकते हैं। सरदार कहाँ है? सरदार कहाँ है? सरदार कहाँ है? कोई तो जवाब दो, कोई तो जवाब दो। महोदय, हम ट्रक नहीं ले जा सकते, यह असंभव है। वॉल्व खोलो। महोदय, मुख्यमंत्री उद्घाटन। मैंने कहा ब्लडी पाइप खोलो। यदि आप पाइप खोलते हैं, सिर्फ 10 मिनट में 300 गांवों में पानी पहुंचेगा। उसके बाद यदि वो सोडियम को पानी में डाल देता है तो सिर्फ सेंट्रल पाइपलाइन नहीं बल्कि सारी पाइपलाइन फट जाएगी। आसपास के 300 गांव तबाह हो जाएंगे। सरदार ऐसा कभी नहीं होने देगा। पानी छोड़ो। ठीक है श्रीमान, चलो। किमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेची, तुम हो। पार्टनर का मिशन फेल होने वाला है। चलो, अभी वाल्व बंद करना है। लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने ब्लूप्रिंट देखा है। चलो मेरे साथ। चलो चलो मेरे साथ। वो देखो, ऊपर है वो वाल्व। वो उसे खोलने जा रहे हैं। इसे कैसे बंद करते हैं? अरे नहीं, ब्लूप्रिंट में इसका जिक्र नहीं था। बिजली चालू करो, हमें वाल्व खोलना है। पाइपलाइन खोलने की जरूरत है। जल्दी करो, बिजली चालू करो। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हमें बैकअप ऑन करना पड़ेगा।
सर, हमने बिजली चालू करने की कोशिश की लेकिन किसी ने हमें ने कंट्रोलर तोड़ दिया। ये 3.5 टन का वाल्व है, देखो कैसे बंद करना है। मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं। उधर देख, वो शुरू हो चुका है। विजी, जाग जाओ, प्लीज जाग जाओ, तुम बाल बंद करना है वरना मिशन फेल हो जाएगा। विजी, आसपास के 10 गांवों में पानी पहुंच चुका है। आगे बढ़ो और हैच खोलो, सोडियम फेंको। यह स्थल है और आसपास के 10 गांव भी नष्ट हो जाएंगे और इसके बाद कोई भी चिंता नहीं बचेगा। विजय उठो ना, पार्टनर को मदद करनी है। अगर हम वाल्व को बंद नहीं करेंगे तो मिशन फेल हो जाएगा। एक बात बताओ सरदार, क्या तुम्हारा मिशन जरूरी है या फिर ये लोग? तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो सरदार, योर मिशन इज फेल। अंदर आइए सर। हेलो, रिस्पॉन्ड। महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? तुम सबसे घटिया एजेंट हो। क्या तुमने नहीं कहा था किसी तीसरे व्यक्ति को छिपकर बातें नहीं करनी चाहिए? लेकिन मैंने इसे सुना। तू कौन है? टिमी, ये पकड़ो। पाइप बंद कर दिया गया है, कावा पानी में नहीं डूबेगा। अब मिशन कंप्लीट करो पार्टनर। सरदार, इसे मत खोलो। जिस पानी को तुम छोड़ रहे हो उसको वो नाले में बहा देंगे और जो पानी मैं उनको दूंगा उसकी एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि उसके लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे। मैं जल को बचा रहा हूं, मैं पानी का रक्षक हूं। क्या तुम्हें कुछ पता है? एक वर्ष में
हमारे देश में 6 लाख बच्चे प्यास से मर जाते हैं, अभाव के कारण नहीं, अनुपलब्धता के कारण। आप जो बोतल बंद पानी बेचते हैं ना, और जब कोई व्यक्ति पानी के लिए बोतल खोलता है, ये अगली पीढ़ी का गला घोटने के बराबर है। आप जैसे व्यवसायियों के आने से पहले लोगों ने पानी को अच्छी तरह से ट्रीट किया था। हम पानी न बेचे तो ही काफी है, लोग पानी बचाना जानते हैं। नहीं, नहीं। सरदार, सरदार, चलो ना बीजी, चलो। कहाँ? ब्लास्ट त्रिज्या से परे। विस्फोट त्रिज्या? हाँ, क्या आप नहीं जानते कि ये फटने वाला है? क्या फटने वाला है? क्या बकवास है सरदार? वो फेल कैसे हो सकता है? मैंने ही उसको ट्रेनिंग दी थी। पार्टनर, मैंने सोचा था कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। आपको मुझसे नाराज होना चाहिए। मैं गुस्से में था पापा, मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने डिपार्टमेंट की बदनामी के लिए आपको पहचानने से इनकार किया। हाँ पार्टनर, ये पुलिस है। पुलिस? तुम्हारे दादाजी को बहुत गर्व होता। पापा, हमें सबको सच बताने की जरूरत है। वो माइक्रोफिल्म मुझे दे दो, मैं उसको संभाल कर रखूंगा। सच को झेलते हुए जीवन जीना कठिन है। इस सच ने तुम्हारी मां को मार डाला। पिछले 32 सालों से देश ने राठौर पर भरोसा किया है। अगर लोगों को पता चलता है कि वो देशद्रोही और चीनी एजेंट है, उनका सरकार से भरोसा उठ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दुनिया मान ले, उस आतंकवादी सरदार ने पाइपलाइन योजना को नष्ट कर दिया। राठौर को एक अच्छा इंसान बने रहने दो और मुझे खलनायक ही रहने दो। पापा, पापा, आपने इसे नीचे क्यों फेंक दिया? अब लोगों को सच्चाई के बारे में कैसे पता चलेगा? हमारी पहचान हमारे कर्मों के फल में होता है, किसी के द्वारा किए गए शीर्षक में नहीं। पापा, सरकार आपको नहीं छोड़ेगी। पापा, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? पापा, तुम्हारे पिता बोस की इच्छा है, लेकिन सरदार, एक बार एक जासूस हमेशा एक जासूस। क्या मैं सही हूं दोस्त? एक पिता एक गुमनाम हीरो होता है, बिल्कुल जासूस की तरह। वो उम्र भर अपनी इच्छाओं को मारता रहता है, ना ही उनको याद किया जाता है। उनका अस्तित्व अज्ञात होता है, किसी को नहीं पता चलेगा। जिन्होंने कभी पहचान की परवाह नहीं की, लेकिन उनके बलिदान का फल उनको मिलता रहेगा। सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी,
सच सामने आए तो कोई कहीं कोई खो ना जाए और अपने आप को देश के लिए कुर्बान करते रहेंगे। एक बार एक जासूस, हमेशा एक जासूस।